ये है रेडवुड, आर्क का सबसे खतरनाक माना जाने वाला बायोम, जहां पे गाइस लोगों का 5 मिनट भी सरवाइव कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन तुम्हारा भाई इस रेडवुड में पूरे के पूरे 100 डेज सरवाइव करने वाला है। और गाइस 100 डेज सरवाइव करने का चैलेंज भाई इनफ मेरे को नहीं लगा, इसलिए मैंने इस रेडवुड वाले मैप में डाल दिया है प्राइमल फियर प्लस आर्क इटर्नल वाला मॉड। एंड ये 2 मॉड डालने के बाद जो रेडवुड है वो 1,00,000 गुना ज्यादा खतर नाग बन चुका है। और इस रेडवुड में तुम्हारा भाई पूरे 100 दिन सरवाइव करने वाला है। मैंने रेडवुड प्राइमल फियर सर्वाइवल 100 डेज वाले एक वीडियो पहले भी डाली थी, लेकिन इसमें प्राइमल फियर प्लस गाइस आर्क इटर्नल डाला हुआ है, तो आप समझ ही सकते हो कि ये कितना ज्यादा खतरनाक 100 डेज सर्वाइवल वीडियो होने वाला है। यहाँ पे आपको कदम कदम पे ऐसे डायनोसोर ऐसे बॉस मिलेंगे जो आपका 1 दिन भी यहाँ पे सर्वाइव कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल बनाने वाले। लेकिन ऐसे टफ माहौल में भी तुम्हारा भाई पूरे 100 दिन यहाँ पे सर्वाइव करने की कोशिश करने वाला है। तो क्या गाइस मैं यहाँ पे इन सारे बॉसेस से बच पाऊंगा? मैं इनसे बच के 100 डेज रेडवुड में सर्वाइव कर पाऊंगा? अगर आपको देखना है तो ये पूरा वीडियो देखना, इंजॉय करना, और आपको ये 100 डेज सर्वाइवल वीडियो कैसे लगा वो भी नीचे कमेंट करके बता देना। अभी गाइस ये 100 डेज सर्वाइवल वीडियो शुरू करने से पहले गाइस यहाँ पे जो भी नए बंदे लोग होंगे, गाइस भाई बहन लोग होंगे हमारे, आपका 1 लाइक और सब्सक्राइब काफी मायने रखता है, तो फटाफट गाइस लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो पसंद आती है तो शेयर कर देना, और इस वीडियो को हम 5K लाइक का एम रखते हैं, तो फटाफट लाइक कर देना, और 5K लाइक का जो एम है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर देना गाइस। तो गाइस क्या मैं इन बॉसेस से, इन भाई खतरनाक से भाई प्राइमल फियर और इटर्नल वाले भाई डायनो से बच पाऊंगा, ये जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर से देख लेना। तो चले गाइस हमारा 100 डेज सर्वाइवल का जो जर्नी है वो बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं, एंड फुल 2 तबाही मजा डाल दे, लेट्स गो गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने गाइस यहाँ पे हमारे 100 डे सर्वाइवल की वीडियो की शुरुआत करी एक क्विजल के ऊपर से, क्योंकि आपको बताइए कि यहाँ पे रेडवुड में कोई भी जो है ना गाइस आपको स्पॉन पॉइंट नहीं मिलता है, और गलती से मैं यहाँ पे वीडियो के स्टार्टिंग में गिर गया था मेरे क्विजल से इंट्रो मारने से पहले। अभी मैं जमीन पे गिर गया था तो मैंने यहाँ पे पैराशूट ओपन करा और मेरे को नीचे उतना ज्यादा कोई खतरा दिखाई नहीं दे रहा था, और मैं आसमान की ऊंचाइयों में। लेकिन जैसे मैं गाइस यहाँ पे जमीन पे उतरा तो फेस गया, मुझे पता चल गया कि सामने की तरफ मौत है, और मैं जानना भी नहीं चाहता था वो डायनो कौन सा है। मैं सीधा यहाँ से भाई कल्टी मार दिया, और गाइस तुम्हारे भाई की किस्मत पता है ना कितनी ज्यादा डरती है भाई। मैं जब गाइस पहाड़ी की तरफ भग रहा था ना, हाँ मैं पहाड़ी पे इसलिए भग रहा था क्योंकि मेरे को वहां पर रिसोर्स भर भर के मिलने वाले थे, तभी गाइस तुम्हारे भाई के पीछे लगा भाई एक रैप्टर। मैं बोला भाई हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मैं भाई दौड़ दौड़ के उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करी, लेकिन वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। मैं रस्ते में जो ना गाइस थोड़ी सी रिसोर्सेज इकट्ठा करते हुए जा रहा था ताकि मैं उसका स्पेयर भी उस भाई रैप्टर को सरप्राइज मदर फादर बैड मैनेज कर सकूं, लेकिन उसी ने मेरे को सरप्राइज दे दिया क्योंकि दौड़ दौड़ते में भाई ओरिजिन डायनोस के सामने पहुंच गया। मैंने गाइस वहां से कल्टी मारी, एंड भाई तभी इस रैप्टर ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। मैंने बोला भाई मैं रैप्टर के हाथों तो जिंदगी में नहीं मरने वाला, इसलिए मैं भाग भाग के गया और कारनो के सामने भाई कूदी मार के कारनो से मर गया। एटलीस्ट गाइस रैप्टर से तो नहीं मरा मैं, चलो आ जाओ। तो गाइस यहाँ पे मैं वापस से आ गया था क्विजल के ऊपर, और इस बार मैं पहाड़ी की तरफ जाने की ठानी क्योंकि जंगल खतरों से भरा था। पहाड़ी पे इसलिए जा रहा था क्योंकि वहां पे मेरे को मेटल मिलता, मेटल से मैं अपना आर्मर खतरनाक वाला बनाता, एंड उसके बाद जंगल में उतर के हर एक की बाड़ बजा के रखता। इसलिए मेरे जो पहाड़ी की तरफ जाने का सफर था वो मैंने शुरू कर दिया। पहाड़ी की तरफ जाते वक्त मेरे भाई पीछे काफी ज्यादा डायनोस पड़ गए थे वापस से, लेकिन इस बार मैंने उनको चकमा दे दिया और मैं पहाड़ी तक पहुंचने में भाई फाइनली जो ना गाइस पे कामयाब हो गया था। अभी गाइस पहाड़ पे पहुंचने के बाद मेरे को पता चला कि मेरे को वुड की काफी ज्यादा जरूरत है, इसलिए मैं फटाक से वापस से थोड़ा सा नीचे उतरा, वहां से मैंने भर भर के जो ना गाइस यहां पे वुड इकट्ठा करा। जो बेसिक टूल चाहिए थे गाइस वो सारे के सारे बेसिक टूल मैंने यहां पे बना लिए, एंड उसके बाद मैंने यहां पे थोड़ा सा भाई वुड एंड थैज एंड थोड़ा सा स्टोन एंड फ्लिंट जो ना गाइस वो इकट्ठा कर लिया, क्योंकि वुड मेरे को पहाड़ी के ऊपर मिलने नहीं वाला था। उसके बाद मैं पहाड़ी पे पहुंचा, एंड मैंने सोचा यहां पे एक छोटा सा भाई अपना जो ना गाइस बेस बना लेते, बेस मतलब 3-4 फाउंडेशन लगाऊंगा, एंड उसके ऊपर जो
ना गाइस, मैं भाई स्मीदी बीदी एंड अपने भाई फोर्ज भी जो सारी चीजें है ना गाइस वो बनाने वाला था। एंड उसमें जो ना गाइस मैं अपने एकदम खतरनाक सा आर्मर बना के उसके बाद में जंगल में रेडवुड में असली जो ना गाइस उतरने वाला था। तो मैंने बेस बनाने का काम गाइस यहां पे शुरू कर दिया। मैंने खास कुछ नहीं बनाया, कुछ फाउंडेशन लगाई, उसके ऊपर मैंने गाइस कुछ स्टोरेज बॉक्स लगाए जो मैं भाई वुड बिड और भाई स्टोन बिड लेके आया था नीचे से, वो सब कुछ मैंने स्टोरेज बॉक्स में भर दिया। एंड उसके बाद में निकल गया मेटल जो है ना गाइस उसकी फार्मिंग करने के लिए। लेकिन जब मैं मेटल फार्म कर रहा था मेरे को पीटी मिला, मैंने सोचा चलो भाई हमको हाइड की तो जरूरत है, तो भाई मैंने इस पीटी को जो ना गाइस हार्वेस्ट करा, तो भी गाइस मेरे को वहां पे मिला भाई एकदम खतरनाक सा टेक पैरासोरस। लेकिन मुझे जो है ना गाइस इस पैरासोरस से डर लग रहा था क्योंकि यहां पे बॉस वाला म्यूजिक भी बज रहा था और मेरे को लग रहा था कि ये टेक पैरासोरस नहीं है भाई, पैरासोरस बॉस है प्राइमल फेयर वाला। इसलिए मैंने उसे स्टार्टिंग में भाई उंगली नहीं करी, बाद में मैंने सोचा कि एक काम कर लेता हूं, मैं उस पैरासोरस को नहीं मारता, उसके नीचे जो ट्रूडॉन है ना गाइस उसको मार के हाइड का जुगाड़ कर लेंगे। लेकिन जब मैं ट्रूडॉन को उंगली कर रहा था तभी इट वाज एट दिस मोमेंट दैट ही न्यू ही फक्ड अप गाइस, ये भाई टेक पैरासोरस ही निकला बॉस वाला लेकिन प्राइमल फेयर वाला, और इसने मेरे ऊपर अटैक कर दिया और इससे भागते भागते मैं मौत के मुंह में चला गया। वहां पे भाई यहां पे भी मेरे पीछे भाई टेक वाले पैरासोरस बॉस और भाई ओरिजिन वाला पियर पड़ गया था भाई। एंड उसके बाद क्या होना था, तुम्हारे भाई की पुंगी बज गई गाइस। और क्या होना था गाइस, मैंने बहुत ज्यादा कोशिश करी पैराशूट यूज करके भागने की, लेकिन मैं भाग नहीं पाया गाइस, मेरी हवा में पेटी बना डाली गाइस। मेरी वापस से जो जर्नी है क्विजल के ऊपर से शुरू हुई क्योंकि मैं बेड लगाना भूल गया था अपने घर पे। मैंने जैसे कूदी मारी मुझे मेरे सामने भाई वापस से मौत दिखाई दी, लेकिन मैं जैसे तैसे बचते बचाते गए जैसे कल्टी मार गया और मैं भाई अपनी भाई एकदम मस्त भी की पहाड़ी की तरफ भग रहा था। तभी गाइस मेरे को जो ना गाइस यहाँ पे दिखे दो डायनो, ये दो डायनो जो ना गाइस आपस में भाई झगड़ा कर रहे थे। और मेरे को पता था कि इसमें से कोई भी डायनो मरे फायदा तुम्हारे भाई का ही होने वाला है, क्योंकि जो भी डायनो मरेगा उसको मार के जो है ना गाइस उसको हार्वेस्ट करके मैं यहाँ पे हाइड इकट्ठा करने वाला था, क्योंकि मेरे पास हाइड बिल्कुल भी नहीं था। तो मैं मस्त भी की इन दोनों की जो लड़ाई ना गाइस वो यहाँ पे एंजॉय करने लगा। एंड कुछ टाइम बाद 3 days later यहाँ पे इनकी लड़ाई भाई खत्म हो गई और मेरे को जैसे कि पता था कार्नो मरेगा और कार्नो मर गया। मैंने भाई यहाँ पे अपने हाथ से अपना जगन्नाथ गाइस अपने हाथ से चढ़ा गाइस यहाँ पे सारा का सारा हाइड इकट्ठा कर लिया क्योंकि मेरे पास कोई भी टूल नहीं था। उसके बाद गाइस मैं सारे रिसोर्स लेके भाई अपने पहाड़ी पे गया, अपना जो छोटू सा बेस था वहां पे गया। वहां पे इस बार सबसे पहले मैंने बेड बना के लगा डाले गाइस। उसके बाद बेड लगाने के बाद मैंने यहाँ पे भाई काफी ज्यादा फोर्ज लगा दिए क्योंकि इन सारे फोर्ज के अंदर अपना मेटल पिघलने वाला था और इसी मेटल से मैं अपना एकदम सुपर से भी ऊपर वाला जो भाई आर्मर है वो बनाने वाला था। एंड उसके बाद में भाई फॉरेस्ट वाले रेडवुड में उतरने वाला था। तो मैंने भाई सारे फोर्ज लगा दी, उन फोर्ज के अंदर जो ना गाइस जो मैं वुड लेके आया था वो सारा का सारा भर दिया। उसके बाद गाइस मैं यहां पे निकल गया भाई मेटल इकट्ठा करने के लिए। ये सारा का काम है ना गाइस वो करने में 2 से 3 दिन आर के मेरे निकल गए गाइस। मैंने भाई भर के यहां पे जो ना गाइस मेटल इकट्ठा करा, मेटल भाई यहां पे भाई फार्म करा, उसमें पूरा का पूरा 1 दिन निकल गया और बहुत सारा मेटल लेके मैं आ गया गाइस अपने फोर्ज के अंदर कुक करने के लिए। उसके बाद मैंने यहां पे देख रहे हो सारे फोर्ज के अंदर 10-20 हजार मेटल भर दिया एंड कुक होने का बस इंतजार करने लगा। जब तक गाइस यहां पे मेटल कुक हो रहा था तब तक मैंने 10 से 15 मोटर बना दिए एंड वो सारे के सारे मोटर मैंने अपने बेस पे लगा दिए। अभी ये मोटर मैंने क्यों बनाए, क्योंकि इनके अंदर जो ना गाइस मैं बड़े आराम से स्टोन एंड फ्लिंट डाल के एंड उसके बाद केरेटिन बिरेटिन डाल के यहां पे जो ना गाइस स्पार्क पाउडर सीमेंटिंग पेस्ट एंड भाई गन पाउडर जो ना गाइस बनाना चाहता था, क्योंकि ये तीन चीजें जो ना गाइस आगे जाके हमारे काफी ज्यादा काम आने वाली थी। इसलिए मैंने बहुत सारे मोटर बना दिए और उनके अंदर जो ना गाइस स्पार्क पाउडर और सीमेंटिंग पेस्ट जो ना गाइस वो के लिए डाल दिया। जब मैं सारे काम कर रहा था तो मेरे को पहाड़ी के ऊपर ही कोई खतरनाक सा डायनो दिखा था। मैं बोला क्या डायनो है, जरा जाके देख लेते। तो भी मेरे को वहां पे दिखा गया स्काई राइडर। मैंने बोला इसको मैं टेम करूंगा क्योंकि इसको टेम करने के लिए जो बेरी चाहिए थी वो मेरे इन्वेंटरी में ऑटोमेटिकली ऐड हो गई थी। कोई डायनो अगर आपके आजू बाजू मरता है तो बेरी आपके इन्वेंटरी में ऐड हो जाती है, लेकिन मेरे पास स्पाईग्लास नहीं थी जिससे मैं देख सकूं कि इसको भाई टेम करने के लिए कितनी बेरी चाहिए, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही बेरी थी जो कि आधी स्पॉइल हो चुकी थी। लेकिन फिर भी मैं गया और लकी एक बेरी में हमारा स्काई राइडर टीम हो गया। मेरे खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि यहाँ पे 4th या 5th दिन जो ना गाइस मैंने खतरनाक सा डायनो जो ना गाइस वो टेम कर लिया था और मैं काफी ज्यादा खुश था क्योंकि स्काई राइडर जो ना गाइस इसके पास खतरनाक से एक पॉइजन वाली एबिलिटी होती है। अपने मुंह से जो ना गाइस ये पेगासस पॉइजन छोड़ सकता है और गाइस इसका लुक तो देखो, इसका लुक जो ना गाइस वो भी काफी ज्यादा खतरनाक था। और गाइस अभी जो ना गाइस तुम्हारे भाई को एकदम पावरफुल फील हो रहा था ना मेरे भाई लोग, क्योंकि मेरे पास आ चुका था स्काई राइडर ना मेरे भाई लोग। फिर मैं स्काई राइडर की जो ना गाइस यहाँ पे थोड़ी सी लेवल अप करी एंड उसके बाद गाइस मैं यहाँ पे निकल गया इसकी शक्तियों का
परीक्षण करने के लिए। यहाँ पे जो टेक वाले पैरासोरस मेरे को उंगली कर रहे थे ना, उन्हीं टेक पैरासोरस बॉस को मार के मैंने यहाँ पे काफी ज्यादा जो ना रिसोर्स इकट्ठा कर दिए, क्योंकि टेक पैरासोरस को मारने के बाद मेरे को काफी ज्यादा अलग अलग चीजें मिली थी और मेरे को एक या दो एलिमेंट भी मिल गए थे, तो मैं काफी ज्यादा खुश हो गया था गाइज। फिर ये टेक बिग वाले पैरासोरस को मार फिरने के बाद जो ना गाइज मैं सीधा निकल गया अपने घर के पास। मैं घर पे पहुंचा और मेरे को सबसे पहले बनाना था गाइज ट्रैकर, क्योंकि ट्रैकर से अगर मैं इनके मर भी जाता हूँ ना तो मैं अपने भाई ये खतरनाक से जो है ना गाइज स्काई राइडर को अपने पास बुला सकता हूँ गाइज टेलीपोर्टर के रिमोट के द्वारा। तो मैंने जो ना गाइज यहाँ पे कुक्ड मीट और प्राइम मीट जो है ना गाइज वो मतलब मीट और प्राइम मीट कुक करने के लिए यहाँ पे जो ना गाइज कैंप फायर में डाल दिया था, क्योंकि उन्हीं से जो ना गाइज अपना ट्रैकर बनने वाला था। उसके बाद गाइज मैंने अपने बेस को गाइज थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जो ना गाइज मेरे को स्मीदी प्राइमल स्मीदी अपग्रेड सेशन ये सारी चीजें लगानी थी और उसके लिए मेरे घर पे जगह नहीं बन रही थी, तो मैंने थोड़ा बेस को एक्सपेंड किया, मैंने स्मीदी बनाई। एंड उसके बाद जब मैं प्राइमल स्मीदी बनाने गया तो मेरे को क्रिस्टल की कमी पड़ रही थी। क्रिस्टल तो रेड वुड में मिल नहीं सकता, इतना तो आपको बता ही होगा। तो यहाँ पे मैंने उसके बाद मैं अपग्रेड स्टेशन बना लिया, उसके बाद अपग्रेड स्टेशन मैंने यहाँ पे लगा दिया। एंड गाइस मैं जो है ना गाइस निकल गया था यहाँ पे क्रिस्टल ढूंढने के लिए, तभी मेरे को याद आया यार मेरे पास भाई थोड़े से क्रिस्टल पहले से पड़े हुए, तो उससे मैं एक स्पाई ग्लास बना लेता हूँ ताकि मैं डायनोस को दूर से ही देख सकूँ। तो मैं घर पे आके फटाक से स्पाई ग्लास भाई बना ली एंड अभी मैं भाई डायनो को ना दूर से ही देख सकता था। तो भाई स्पाई ग्लास लेके मैं निकल गया गाइस यहाँ पे क्रिस्टल ढूंढने के लिए, जो कि मेरे को रेडवुड में नहीं मिलने वाले थे, मेरे को रेडवुड से बाहर निकलना था भाई क्रिस्टल ढूंढने के लिए। अभी क्रिस्टल मेरे को गाइस रेडवुड में मिलने ही मिलने वाले थे, उसके लिए मेरे को रेडवुड से बाहर निकलना था। लेकिन जब मैं रेडवुड से बाहर निकल रहा था तब कुछ ज्यादा खतरनाक डायनोज ने भाई मेरे ऊपर अटैक कर दिया। भाई ये तो रिपर तो मेरे ऊपर भाई वो भाई बम के गोले बीले फेंक रही थी, मतलब उसके पॉइजन के गोले फेंक रही थी। उसके बाद ये भेज गया लूट बॉक्स, तो भाई हाथ धो के मेरे पीछे पड़ा हुआ था। लेकिन जैसे तैसे मैं उनसे बचते बचाते ना भाई थोड़ा सा दूर आ गया एंड मेरे को थोड़ी दूरी पे जो ना गाइस यहाँ पे दिखाई दिया रोडोल्फ। तो गाइस अभी रोडोल्फ को मैं टेम नहीं कर सकता था क्योंकि काफी ज्यादा डायनोज मेरे पीछे पहले से पड़े हुए थे, लेकिन तुम्हारा भाई बहुत ज्यादा स्मार्ट है। तो मैंने एक दिमाग लगाया, मैंने सारे जो भी डायनो मेरे को उंगली कर रहे थे सबको मेरे पीछे लगाया एंड उसके बाद मैंने जो ना गाइस इन सबको सुसाइड करवा दिया, इस क्लिप से नीचे डायरेक्टली ढकल दिया। वो पीछा करते करते क्लिप से नीचे जंप मार दिए। अभी एरिया जो ना गाइस क्लियर हो चुका था, मेरे पास ट्रैंक नहीं थे इस रोडोल्फ को टेम करने के लिए, इसलिए मैंने जो ना गाइस यहाँ पे जो हमारा बोला है एलिमेंटल इटर्नल वाला बोला उसको यूज करा, जो एक सेकंड में 30,000 का टॉर्पोर देता है, और उसको मैंने जैसे ही यूज करा रोडोल्फ फटाक से भाई यहाँ पे बेहोश हो गया। उसके बाद भाई रोडोल्फ को टेम करने के लिए जो भी सारी चीजें चाहिए थी वो मैंने उसके अंदर डाल दी। अभी ये किबल विबल और ये सारी चीजें जो ना गाइस मैंने मेटल से बनाई थी एफएम के मॉड के द्वारा, तो उससे जो ना गाइस रोडोल्फ फटाक से टेम हो गया था। अभी रोडोल्फ को राइड करने के लिए हमको चाहिए था उसका सैडल, जो कि मेरे पास नहीं था, इसलिए मैं जो ना गाइस इसको फॉलो करा करा के भाई बेस पे लेके गया। मेरे को लगा था कि बेस पे जाऊंगा स्मिथी के अंदर रोडोल्फ को सैडल बनाऊंगा, लेकिन अपना पोपट हो गया, क्योंकि भाई रोडोल्फ का सैडल जो ना गाइस वो मात्र बनता है यहाँ पे प्राइमल स्मिथी में, और प्राइमल स्मिथी बनाने के लिए तुम्हारे भाई के पास क्रिस्टल नहीं था। मतलब मेरा जो दिमाग घुमाना भाई, अभी मेरे को जो ना गाइस ये बंटी के साबुन से भी ज्यादा स्लो जो हमारा स्काई राइडर है उसके ऊपर वापस से बैठना था, और भाई इसको लेके जाके जो ना गाइस यहाँ पे क्रिस्टल लेके आने थे भाई, जो कि भाई काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम होने वाला था, क्योंकि स्काई राइडर जो ना इतना स्लो है ना भाई, इतने में तो मेरे दो बच्चे पैदा हो जाए बेच गया। तो गाइस ये इतना ज्यादा स्लो है ना स्काई राइडर कि मैंने सोचा कि गूगल पे थोड़ा सर्च मार लेते और देखते रेडवुड के आजू बाजू कहाँ पे क्रिस्टल मिलता है कि नहीं, और मेरे को पता चला जन्नत में, मतलब यहाँ पे रेडवुड के सामने ग्रीन ग्रीन एरिया देख रहे हो गाइस, वो वहां पे मेरे को जो ना गाइस यहाँ पे क्रिस्टल मिल सकता है। तो मैंने सोचा जितना क्रिस्टल हो सकता है ना उतना भाई अपन मतलब ज्यादा से ज्यादा क्रिस्टल यहाँ पे फार्म करने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैंने मेटल के हैचेट और पिकैक्स जो ना गाइस वो बना लिए और उनको अपग्रेड करके मैंने एकदम फुल टू असेंडेंट वाला बना डाला ना मेरे बच्ची लोग। उसके बाद गाइस हम बैठ गए हमारे स्काई राइडर के ऊपर और निकल गए गाइस जन्नत में, मतलब जो ग्रीन एरिया होता है ना गाइस अपना जहां पे लाइट हाउस होता है रैग्नारोक में, वहां पे मैं निकल गया, क्योंकि मेरे को भाई सीक्रेट सोर्सेस से मतलब गूगल बाबा से ये पता चला था कि वहां पे मेरे को क्रिस्टल मिल सकते हैं। तो गाइस ये स्काई राइडर इतना स्लो है ना बेस क्या भाई, पूरा दिन निकल गया भाई उतने ज्यादा दूर जाने के लिए, लेकिन गाइस फाइनल में यहां पे पहुंच गया था। हां भाई शाम हो चुकी थी लेकिन मैं वहां पे पहुंच गया था। तो मैंने जो ना गाइस अभी क्रिस्टल ढूंढने का काम जो ना गाइस वो शुरू
शुरू करा भाई, लेकिन मेरे को क्रिस्टल तो मिला नहीं, लेकिन गाइस यहाँ पे मेरे को इंडोमेसुरेक्स मिल गया। अभी ये इंडोमेसुरेक्स जो है ना गाइस, वो प्राइमल प्योर वाले इंडोमेसुरेक्स थे। तो गाइस अगर अपन इनके फीमेल को अगर भाई 90% डैमेज देते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली अपन को जो है ना गाइस इन इंडोमेसुरेक्स का अंडा मिल जाता है। तो मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि गाइस मेरे को लगा था कि मेरे को अभी यहाँ पे मिलने वाला है इंडोमेसुरेक्स का अंडा। तो मैंने इनको डैमेज देना शुरू कर दिया था, मैं इनको डैमेज दे रहा था, मैं लगभग भाई 80-85% इसकी एचपी डाउन कर पा रहा था। लेकिन गाइस मेरा डैमेज जो ना गाइस इतना ज्यादा था कि मैं थोड़ा डर रहा था कि भाई मैं अगर भाई 90% एचपी डाउन करने के लिए एक और अटैक कर दूं और ये मर भी जाए तो भाई दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा सेफ खेल रहा था और धीरे धीरे हल्लू हल्लू करके जो ना गाइस इसकी एचपी कम करने की मैं कोशिश कर रहा था। और गाइज एंड में जिस बात का डर था वही हुआ, क्योंकि जल्दबाजी में मेरे से रहा नहीं गया और जल्दबाजी में मैंने जो ना गाइस इसको इतना डैमेज दे दिया कि इसकी जो फीमेल थी जिससे हमको अंडा मिलता है वही फीमेल टपक गई, टाटा बाय बाय गुड बाय हो गया। अभी फीमेल भाई यहाँ पे मर गई थी, तो मेल का कोई काम नहीं था, तो मेल को भी जो है ना गाइस मैंने फीमेल के पास पहुँचा दिया। एंड गाइस अभी जो है ना गाइस हमारा क्रिस्टल भाई जो है ना गाइस वो दूडे का काम मैंने वापस से शुरू कर दिया था। हमको इंडोमेसुरेक्स का अंडा नहीं मिला, इसका बहुत ज़्यादा दुख तो हो रहा था मेरे को, लेकिन मेरे को मेन चीज़ चाहिए थी क्रिस्टल। अभी रात हो रही थी, तो रात होने से पहले मेरे को यहाँ पे एक टॉर्च चाहिए थी, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ से वुड इकट्ठा करा, उससे मैंने टॉर्च बनाई और मैं निकल गया गाइस क्रिस्टल ढूंढने के लिए एक गुफा के अंदर, क्योंकि मेरे को यहाँ पे एक गुफा ऐसी पता है जहाँ पे क्रिस्टल मिलने के ज्यादा चांसेस थे। मेरे को गुफा तो मिल गई थी, मैं गुफा के काफी नजदीक पहुंच गया था, लेकिन तभी मेरे को जो ना गाइस यहाँ पे दिखा एक खतरनाक सा और खूबसूरत सा टेक गीगा बॉस। अभी ये गीगा बॉस को अगर अपन मार देते ना, तो इसमें से क्या होता है बताया क्या, हमको एक टेमेबल वर्जन मिल जाता है जिसको हम स्मिथी के अंदर जो ना गाइस बड़े आराम से जो ना गाइस क्राफ्ट कर सकते हैं। इसलिए मैं गया और इस गीगा के साथ एकदम मतलब खतरनाक सी खूबसूरत सी रात में जो ना गाइस अपनी फाइट शुरू हो गई। मेरा जो भाई यहाँ पे भाई स्काई राइडर है वो गीगा के अंदर मतलब पूरा फंस गया था, लेकिन मैं यहाँ पे हीलिंग पोशन खाते खाते गीगा को डैमेज दिए जा रहा था। मेरा डैमेज उतना ज्यादा नहीं था, इसलिए मेरे को इस गीगा को मारने में काफी ज्यादा टाइम लग गया। लेकिन देख रहे हो गाइस भाई नजारा देखो कितना ज्यादा खूबसूरत है, पीछे से ऐसा चांद ढल रहा है और यहाँ पे अपनी फाइट चल रही है। जैसे तैसे करके गाइस मैंने जो ना गाइस 5-10 मिनट में इस गीगा को मार दिया था। एंड उसके बाद गाइस हमको जो ना गाइस ये देखो गाइस इसका जो ना गाइस एक टेमेबल वर्जन मिल गया। अभी ये टेमेबल वर्जन जो ना गाइस अपन स्मिथी के अंदर बना सकते हैं, तो मैंने इसको भाई कलेक्ट कर लिया और मैं निकल गया गाइस उस गुफा के अंदर जहाँ पे मेरे को लगा था कि मेरे को क्रिस्टल मिलेंगे। लेकिन तुम्हारे भाई की किस्मत इतनी झंडे ना भेज गया कि वहां पे भी मेरे को क्रिस्टल नहीं मिले यार। मैंने भाई पूरा ढूंढा वो गुफा में, पानी के अंदर भी गया, मेरे को लगा पानी के अंदर क्रिस्टल मिलेंगे, लेकिन वहां पे भी मेरे को क्रिस्टल नहीं मिले। और अपना काम जो है ना गाइज और ज्यादा ही भाई डिफिकल्ट होने वाला था, क्योंकि यहाँ पे जो है ना गाइज स्काई राइडर को लेके मेरे को स्पाइनो वैली में जाना पड़ता। एंड स्पाइनो वैली में भाई अगर मैं स्काई राइडर को लेके जाऊँ तो मेरे को 2-3 दिन लगेंगे यार यहाँ पे भाई उस स्पाइनो वैली में पहुंचने के लिए। तो मेरा दिमाग गाइज काफी ज्यादा खराब हो गया था, लेकिन भाई मेरे पास और कोई चारा नहीं था, तो मैं स्काई राइडर को लेके सीधा निकल गया गाइस स्पाइनो वैली की तरफ। लेकिन रास्ते में मेरे को दिखाई दिया खतरनाक से पेगासस और यूनिकॉर्न, और उसमें था भाई एक भाई पॉइजन वाला पेगासस। मैं काफी ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि मेरे पास जो है ना गाइस स्काई राइडर तो पहले से ही था, और अभी जो है ना गाइस तुम्हारे भाई को यहां पे जो है ना गाइस पॉइजन वाला पेगासस भी मिलने वाला था। और लकीली यहां पे मेरे पास वो बेरीज भी थी, तो मैं गया भाई यहां पे उस पॉइजन वाले पेगासस के पास और पटाक से उसको टेम कर लिया। भाई खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि मेरे पास स्काई राइडर और एक पॉइजन वाला पेगासस आ गया था। और लकीली मेरे को सामने की तरफ एक और एलिमेंटल पॉइजन पेगासस दिखाई दिया, मैं तो काफी ज्यादा खुश था। तो मैंने जो पहला भाई एलिमेंटल पॉइजन पेगासस टेम करा था उसको मैंने फटाक से जो ना गाइस यहां पे क्रायोपॉड कर लिया। मेरे पास गन नहीं थी, इसलिए मैंने बॉल जो है ना गाइस उसी का इस्तेमाल करके उसको क्रायोपॉड कर लिया। उसके बाद गया मैं दूसरे वाले एलिमेंटल पॉइजन पेगासस के पास और उसको भी फटाक से बेरी खिला के तुम्हारे भाई ने टेम कर लिया था। पॉइजन पेगासस आर्मी ओपी बोल दे गाइस। अभी तुम्हारे भाई के पास जो ना गाइस 3 खतरनाक से जो पेगासस है ना एलिमेंटल वाले वो आ गए थे, तो मैं काफी ज्यादा खुश था गाइस। उसके बाद जो ना गाइस मैंने पेगासस को टेम कर लिया। उसके बाद जो ना गाइस मैंने सारे पेगासस को क्रैप आउट कर लिया और वापस से हमारे भाई कछुएश्वर जी मतलब हमारे स्काई राइडर सर जी उनके ऊपर मैं बैठ गया और निकल गया क्रिस्टल की खोज में। रास्ते में मेरे को जो भी चीजें मिल रही थी ना गाइस उनको मार के मैं थोड़े से रिसोर्स जो ना गाइस वो इकट्ठा कर रहा था। और एक दिन की पूरी
मेहनत के बाद मैं फाइनली स्पाइनो वैली में पहुंच गया था गाइज। और स्पाइनो वैली में ये बड़ा सा जो फाउंटेन देख रहे हो गाइज, इसके नीचे आपको भर भर के क्रिस्टल मिलता है। और यहाँ पे हमारे असेंडेड वाली जो पिकैक्स है ना गाइज, वो काम आने वाली थी। मैंने असेंडेड वाली पिकैक्स निकाली और सीधा पानी के नीचे चला गया। वहां पे भाई भर भर के क्रिस्टल दे, मेरे को एक भी क्रिस्टल भाई एक भी क्रिस्टल यहाँ से छोड़ना नहीं था। इसलिए मैंने जितने क्रिस्टल दिख रहे थे ना वहाँ पे, वो सारे के सारे क्रिस्टल जो ना गाइस यहाँ पे हार्वेस्ट कर लिया। हाँ बस मरते मरते भी बचा था मैं भाई, दम घुट के जो ना गाइस मेरी वहाँ पे पेटी बनने वाली थी। लेकिन जैसे तैसे मैं भाई सही टाइम पे बाहर निकल के आ गया और भाई मेरी जान यहाँ पे बच गई। अभी जो ना गाइस अपना भाई वापस से जो ना गाइस सफर रेडवुड की तरफ शुरू हो गया था। अभी इसमें भी भाई एक से दो दिन वापस से एक्स्ट्रा लगने वाले थे यार। बट अच्छी बात ये कि ये थी कि मेरे को पॉलीमर चाहिए था और वो मेरे को वोल्केनो से मिल सकता था। वोल्केनो में जो भाई मैंटिस होते हैं ना गाइस, उनके पास से मिल सकता था। इसलिए जो ना गाइस मैं थोड़ा सा खुश था कि भाई जाते जाते मैं थोड़ा सा पॉलीमर चिटिन बिटिन भी लेके जाऊंगा। लेकिन जैसे मैं वोल्केनो पार्क में पहुंचा भाई साहब, यहाँ पे तो बम चिकी चिकी बम बम भाई हो रहा था। यहाँ पे एक स्पिरिट वाला रेग्स भाई अपने आग के भाई स्पिरिट के गोले आसमान में उड़ा के भाई सबकी पेटी बना रहा था। तो मैंने भाई यहाँ पे इससे दूर रहना ही जो है ना गाइस सही समझा। और जब मैं वहां पे भाई मैंटिस को ढूंढ रहा था ना, तभी मेरे को खूबसूरत सा पिंक कलर का इंडोमस रेक्स दिखाई दिया। मैं बोला चलो भाई, पिछला वाला हमारा मिशन अनसक्सेसफुल हुआ था, इस बार मिशन अपन कंप्लीट करके रहेंगे और इसका अंडा लेके जाएंगे। लेकिन अपनी फूटी किस्मत गाइस, ये एलिमेंटल वाला भाई इंडोमस रेक्स निकला और एलिमेंटल वाले इंडोमस रेक्स को अपन नॉकआउट टेम कर सकते हैं। तो मेरा भाई दिमाग वापस से घुमा, मैं बोला भाई भाड़ में जाए ये चीज है। मैं जैसे थोड़ा आगे गया, मुझे गाइस वहां पे दिखाई दिया एलिमेंटल फायर पेगासस। भाई मेरे खुशी का तो ठिकाना नहीं था क्योंकि भाई मेरे पेगासस आर्मी बढ़े जा रही थी। मेरे पास स्काई राइडर था, पॉइजन वाला पेगासस दो दो थे और अभी मेरे पास फायर वाला एलिमेंटल पेगासस भी आने वाला था। लेकिन उसको टेम करने से पहले आजू बाजू का सारा एरिया जो है ना गाइस मैंने क्लियर कर दिया। मैंने थोड़े से मैंटिस को मार के और भाई थोड़े से जो है ना गाइस अपने बिच्छू बिच्छू को मार के चिटिन और पॉलीमर जो है ना गाइस वो इकट्ठा कर लिया। उसके बाद गाइस मैं अपनी छोटी मोटी सी बेरी लेके गया और इस एलिमेंटल फायर पेगासस को फटाक से टेम कर लिया। अभी तुम्हारे भाई के पास जो है ना गाइस पेगासस कलेक्शन हो गया था ना मेरे बच्ची लोग। और उसके बाद मैंने इस पेगासस को जो ना गाइस क्रायपॉड कर लिया। सोल गन नहीं थी तो सोल बॉल का इस्तेमाल करके मैंने इसको क्रायपॉड कर लिया। और भाई वापस से अपनी जो जर्नी है गाइस रेडवुड की पहाड़ों की तरफ, वो जर्नी हमने कर दी शुरू गाइस 3 days later। उसके बाद भाई एक दिन के पूरे ट्रैवल के बाद मैं वापस से रेडवुड की पहाड़ी पे आ गया था। मेरे पास भर भर के क्रिस्टल और भाई बाकी के रिसोर्स थे। इसलिए गाइस जो सबसे पहले मेरे को चीजें चाहिए थी लाइक सोल गन, वो सबसे पहले मैंने बना ली। उसके बाद गाइस यहाँ पे मैंने जो ना गाइस मीट स्पॉयलर बनाया, टेलीपोर्टर बनाया, टेलीपोर्टर का रिमोट बनाया और भाई जो भाई बेसिक सी चीजें मेरे को चाहिए थी ना गाइस, वो सारी की सारी चीजें मैंने यहाँ पे भाई बना डाली थी। उसके बाद मैंने जो ना गाइस एक टेलीपोर्टर अपने भाई पहाड़ी वाला जो घर था छोटू मोड़ो सा उसके ऊपर लगाया, उसको नाम दिया होम 1.0 गाइस। अभी गाइस मेन काम क्या था गाइस, रोडल्फ का सैडल बनाना। तो उसके लिए जो ना गाइस मैंने यहाँ पे प्राइमल स्मिथी लगाई और प्राइमल स्मिथी में रोडल्फ का सैडल बना के भाई रोडल्फ के ऊपर वो सैडल लगा के एकदम फुल स्पीड में जो ना गाइस तुम्हारा भाई यहाँ पे भाई उड़ने लग गया। ये रोडल्फ जो ना गाइस ये मेरे को 1 मिनट के अंदर मैप के किसी भी लोकेशन पे पहुंचा सकता है, इतनी ज्यादा इसकी स्पीड है। तो मैं काफी ज्यादा खुश हो गया था यार। अपने पेगासस आर्मी भी रेडी हो चुकी थी, हमारे पास रोडल भी आ चुका था और बताओ जिंदगी में क्या ही चाहिए गाइस। हाँ लेकिन अभी तक हमारी टेमिंग जो है ना गाइस वो शुरू नहीं हुई थी। तो उसके बाद जो है ना गाइस मेरे पास जो है ना गाइस जो भी रिसोर्स थे, मैं थोड़े से बटाटे बिटाटे जो है ना गाइस लेके आया था जन्नत से, वो सारी चीजें जो है ना गाइस मैंने बक्सों में भर दी। और अभी टाइम आ गया था अपने खूबसूरत सा घर रेडवुड में बनाने का। तो मैंने सोचा कि पिछली बार जैसे प्राइमल फेयर में मैंने ट्री हाउस बनाया था, वैसे कुछ जो है ना गाइस इस बार भी बना लेते। इसलिए मैंने एक ट्री प्लेटफॉर्म बनाया एंड उसके बाद में वो ट्री प्लेटफॉर्म लेके जो है ना गाइस यहाँ पे निकल गया भाई एक ओपीसी जगह ढूंढने के लिए जहां पे मैं अपना घर बना सकूं। लेकिन गाइज पिछली बार प्राइमल फियर्स अकेला मोड था, इस बार प्राइमल फियर प्लस आर्क इटर्नल है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। और मेरे को जो ना गाइज ऐसा एक भी खाली पेड़ नहीं मिला जहां पे मैं जो ना गाइज अपना ट्री हाउस लगा सकूं। कुछ भाई पेड़ मिले थे जिनके ऊपर थाइलो को लो प्राइमल बीमल वाले थाइलो को लो ऐसा चिपक के बैठे थे। मैं बोला ना भाई मैं रेडवुड में घर नहीं बनाना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो ना गाइज काफी ज्यादा खतरों का सामना जो है ना गाइज मेरे को करना पड़ेगा। इसलिए जो ना गाइस मैंने ये सोचा कि भाई इस बार थोड़ा सा अलग घर बना लेते हैं गाइस। इसलिए मैंने सोचा कि इस बार हम जो ना गाइस समंदर के बीच में घर
घर बनाया गया। आप बोलोगे समंदर में घर कैसे बना सकते, तो गाइस उसके लिए जो ना गाइस आपके पास सी प्लेटफॉर्म होना जरूरी है, और मेरे पास हर एक वो रिसोर्सेस था जिससे मैं सी प्लेटफॉर्म बना सकता था। तो मैं फटाक से घर पे जाके सी प्लेटफॉर्म भाई बना लिया एक, एंड उसके बाद मेरे को पता चला कि सी प्लेटफॉर्म जो ना गाइस वो जमीन से आप लगा सकते हो। तो मैंने थोड़ा सा जमीन से थोड़ा सा दूर जो ना गाइस पानी में एक सी प्लेटफॉर्म भाई लगा डाला। उसके बाद गाइस मैं घर पे जाके भाई दो तीन और सी प्लेटफॉर्म बना के लेके आया, और वो सारे सी प्लेटफॉर्म जो ना गाइस मैंने चिपका चिपका के, मतलब टोटल 4 सी प्लेटफॉर्म जो ना गाइस वो मैंने जो ना गाइस यहाँ पे लगा डाले थे। तो एक बेसिक सा जो बेस का भाई स्ट्रक्चर होता है जो ना गाइस वो यहाँ पे बन गया था, लेकिन इसके ऊपर भाई काफी ज्यादा सीलिंग्स बिलिंग्स और बहुत सारी चीजें लगाना जो ना गाइस अभी तक बाकी था। मैंने गाइस वहां पे जो ना गाइस एक टेलीपोर्टर भी लगा दिया था, ताकि जो ना गाइस जब मेरा मन करे तब मैं वहां पे जो ना गाइस टेलीपोर्ट कर सकूं, और उस टेलीपोर्टर को मैंने ओशन होम जो ना गाइस वो नाम दे दिया। और गाइस अभी मेरे को लग रहा था कि सब कुछ भाई अच्छे से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं घर गया, घर जाके जो ना गाइस मैंने यहाँ पे जो ना गाइस कुछ सीलिंग बिलिंग बना ली, ताकि जो ना गाइस मैं अपना जो ओशन प्लेटफॉर्म है ना गाइस उसमें सीलिंग भर के, जो बीच में गैप थे ना गाइस वो सीलिंग लगा के मैं भरने वाला था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अभी भाई एक दो मिनट बाद अपनी प्रॉब्लम शुरू होने वाली है। अभी वो प्रॉब्लम क्या है देख दे रहे हो। तो मैंने जो ना गाइस यहाँ पे भर भर के सीलिंग बना ली थी, उसके बाद में गया गाइस यहाँ पे ओशन प्लेटफॉर्म पे और वहां पे सीलिंग लगाने का काम शुरू कर दिया। मैंने बस थोड़ी सी सीलिंग लगाई थी तभी बेस क्या वहां पे भाई ये फिरोक सर जी आ गए और बम चिकी चिकी बम बम गिराने लग गए यार, मेरे तो फट के हाथ में आ गए थे। उसके बाद भाई एक लूट बॉस भी वहां पे आ गया था जो बहुत ही ज्यादा उंगली कर रहा था। मेरे को लगा कि गाइस मेरा जो ओशन प्लेटफॉर्म है ना गाइस अगर मैं यहाँ पे रुका तो फट जाएगा, इसलिए मैंने फटाक से टेलीपोर्ट मार दिया। और भाई वो साइड से देख रहा हूँ कैसे रॉकेट लॉन्चर उड़ते हुए जा रहे थे, भाई काफी ज्यादा डरावना भाई वहां पे मंजर था। लेकिन मैंने कल्टी मार दी वहां से, ताकि मेरे जो भाई ओशन प्लेटफॉर्म है ना गाइस वो सुरक्षित रह सके, उनको जो ना गाइस कोई भी नुकसान ना हो। लेकिन गाइस यहाँ पे मैंने काफी ज्यादा खर्चा कर लिया था यार वो ओशन प्लेटफॉर्म के ऊपर, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे मेरे को जो ना गाइस शील्ड की जरूरत पड़ेगी, और शील्ड जो ना गाइस आपको बताया कि एलिमेंट से ही बनती है। इसलिए भाई मैं यहाँ पे आया भाई बेस पे, और बेस से जो ना गाइस मैंने हमारे भाई यहाँ पे स्काई राइडर को उठाया और मैं निकल गया एलिमेंट की खोज में। अभी एलिमेंट आप बोलोगे कैसे मिलेंगे, प्राइमल फियर में किसी भी बॉस को मारो आपको डायरेक्टली एलिमेंट मिल जाते हैं। लकीली मेरे मुंह के सामने मेरे को एक भाई डोडो रिपर मिली। मेरे को लगा नहीं था कि डोडो रिपर को मारने से मेरे को एलिमेंट मिलेंगे, लेकिन मैंने ट्राई मारा और लकीली तुम्हारे भाई को कुछ एलिमेंट जो ना गाइस उस डोडो रिपर को मारने से मिल गए थे। मैं भाई अभी खुश हो गया था, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरी भाई जो टेक वाली शील्ड है ना गाइस वो बहुत ज्यादा जल्दी बनने वाली है। उसके बाद में निकल गया और भी बॉसेस को ढूंढने के लिए, ताकि मैं उनको मार के भाई एलिमेंट इकट्ठा कर सकूं। और मेरे को गाइस एक बॉस मिल भी गया गाइस, वो था भाई हमारा प्राइमल वाला डोडोरेक्स। और इसके ऊपर जो ना गाइस मेरा उतना ज्यादा डैमेज नहीं जा पा रहा था, लेकिन डोडोरेक्स मेरे को जरूर से भाई उठा उठा के पटक पटक के फेल रहा था। लेकिन भाई मेरे पास हीलिंग पोशन थे तो मेरे को उतना डरने की जरूरत नहीं थी, और मेरा पेगासस इसके पेट के अंदर फंस गया था, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा था। आप जैसे कि देख सकते मेरा पेगासस दिखाई भी नहीं दे रहा, मैं पूरा का पूरा इसके अंदर फंस गया था। मैं बस इसको जो ना गाइस लगातार अटैक दिए जा रहा था। ये भी अपने जो आग के गोले ना गाइस वो मेरे ऊपर छोड़ के मेरे को काफी ज्यादा डैमेज दे रहा था। लेकिन मेरे पास हीलिंग पोशन था जिससे मैं यहाँ पे बच के रह सकता था, तो मैं हीलिंग पोशन भाई स्पैम करे जा रहा था और इसके एचपी जो ना गाइस वो डाउन कर रहा था। कुछ टाइम बाद गाइस यहाँ पे ये प्राइमल वाला डोडोरेक्स ने हार मान ली, और इसकी जो ना गाइस पेटी तुम्हारे भाई ने यहाँ पे बना ली, और मेरे को इसको मारने के बाद काफी ज्यादा जो एलिमेंट है ना गाइस वो यहाँ पे मिल गए। अभी मेरे को लगा था कि गाइस इतने एलिमेंट में तो शील्ड बन जाएगी, तो मैं सीधा निकल गया गाइस अपने बेस के पास, और मैं काफी एक्साइटेड था शील्ड बनाने के लिए, इसलिए मैंने स्मृति में भाई सर्च करा शील्ड। लेकिन मेरे को स्मृति में शील्ड मिली नहीं, प्राइमल फियर वाली स्मृति में। तो मेरे को लगा ये टेक वाली शील्ड है, तो शायद ये जो ना गाइस अपना भाई वो रेप्लिकेटर कुछ होता है ना टेक वाला, बड़ा सा जिसके अंदर भाई टेक का सूट बीट बनता है, उसके अंदर बन जाएगा। तो इसलिए मैंने जो ना गाइस वो बनाने के लिए बना दिया गाइस यहां पे फैब्रिकेटर, क्योंकि फैब्रिकेटर के अंदर ही वो अपना टेक वाला रेप्लिकेटर बन जाएगा, रेप्लिकेटर है जो भी इसको बोलते हैं। तो मैंने भाई फैब्रिकेटर लगाया, उसके अंदर जो ना गाइस जब मैंने वो रेप्लिकेटर जो भी वो बनाने की कोशिश करी, मेरे को पता चला मेरे पास भाई एलिमेंट और भी कम है। अभी अगर वो रेप्लिकेटर बना भी लूं ना, उसके बाद मेरे को और भी ज्यादा एलिमेंट चाहिए होंगे ताकि मैं शील्ड वापस से बना सकूं। मतलब भाई अभी जो ना गाइस मेरे को काफी ज्यादा बॉस को मारने का काम भाई यहाँ पे करना था, मेरे को बहुत ज्यादा बॉस फाइट जो ना गाइस अभी लेनी थी। इसलिए भाई मैं अपने स्काई राइडर के ऊपर बैठ गया और निकल गया एकदम खतरनाक और डेंजरस सी बॉस फाइट्स रेडवुड के अंदर लेने के लिए। रेडवुड के अंदर घुस के जो ना गाइस मैं स्काई राइडर से जो भी बॉस मेरे को, हाँ
ओरिजिन वाला बॉस छोड़ के, ओरिजिन वाले बॉस को मार पाना नामुमकिन है अभी स्काई राइडर से। इसलिए मैं जो प्राइमल बीमर वाले बॉस होंगे ना उनको मार के एलिमेंट इकट्ठा करने वाला था, तो मैं सीधा निकल गया गाइस रेडवुड के अंदर। और सबसे पहले मेरे को यहाँ पे मिला था भाई ये कार्नो, जो मेरे को पीछे ढकेल ढकेल के मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे पास हीलिंग पोशन थे तो ये मेरे को जितना भी डैमेज दे रहा था मैं बार बार जो ना गाइस यहाँ पे हील कर रहा था और इसकी बैंड बजा रहा था। तो गाइस कुछ मिनट जो ना गाइस इससे फाइट करने के बाद ये कार्नो की भी तुम्हारे भाई ने बैंड बजा के रख दी और इसकी भाई यहाँ पे जो ना गाइस पेटी बना डाले, उससे मेरे को थोड़े से एलिमेंट मिल गए थे। अभी मेरे को जो ना गाइस काफी ज्यादा एलिमेंट की जरूरत थी, इसलिए भाई मैं आगे बढ़ा और मुझे यहाँ पे आर्टिफैक्ट ग्रेट मिला। मैं बोला चलो भाई फोकट में आर्टिफैक्ट इससे मिल जाएंगे, लेकिन यही मेरे सबसे ज्यादा बड़ी भूल थी यार। मैं जैसे आर्टिफैक्ट से पंगा लेने के लिए चला गया, मैंने उसको एक दो पप्पी दे जप्पी दे दिए भाई, लेकिन गाइस वो पूरा मान गया, उसको जो है ना पप्पी और जप्पी नहीं चाहिए थे, उसने झटका दे के मुझे डायनो से नीचे उतार के मार डाला गाइस। मतलब क्या बोले, बनाए भलाई का मतलब जमाना ही नहीं रहा गाइज। उसके बाद गाइज मेरे को आया गुस्सा, अभी मेरे को चाहिए था, हमको चाहिए बदला भेज के आग। तो इसलिए जो ना गाइज मैं वापस से भाई स्काई राइडर के ऊपर बैठ गया एंड उसके बाद जो ना गाइज अपन वापस से निकल गए गाइज उसी आर्टिफैक्ट ऑफ द ग्रेड को पेलने के लिए। और इस बार तुम्हारे भाई ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, इस बार वो जो उसका लाइटनिंग वाला जो बिजली के झटके होते हैं ना गाइज उसके अंदर मैं आया नहीं, और मैंने जो ना गाइज थोड़ा सा संभल के उसको यहाँ पे पेलम पाल दे दिया और मेरे को आर्टिफैक्ट भी मिल गए थे। और सामने जो ना गाइज जैसे कि आप देख सकते हो मेरे को एक भाई प्यारा प्यारा सा डोडो रेक सर जी दिख रहा था, तो इसको भी मैंने मार दिया क्योंकि जो भी बॉस हो उसको मारने से आपको एलिमेंट मिलते हैं, तो मैंने डोडो रेक को भी भगवान के पास पहुंचा दिया था। उससे भी मेरे को थोड़े से जो एलिमेंट है ना गाइस वो यहाँ पे मिल गए थे। उसके बाद मैं जो ना गाइस यहाँ पे बॉसेस को ढूंढते रहा भाई यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम तक। उसके बाद गाइस मेरे को एक कार्नो सर जी मिल गए, एक्चुअली में यहाँ पे दो कार्नो थे, तो मैं जो ना गाइस लगा रहा वहां पे और वो कार्नो की जो ना गाइस मार मार के हवा टाइट कर दी। वो अलग बात है कि दोनों कारणों को जो ना गाइस यहाँ पे मारने में काफी टाइम लग गया। रात में भी अपने एकदम खतरनाक वाली जो फाइट है ना गाइस वो यहाँ पे चल रही थी, एक कारण पहाड़ी के ऊपर था और एक पहाड़ी के नीचे था, तो दोनों कारणों को जो ना गाइस तुम्हारे भाई ने यहाँ पे पेलमपाल दे दिया था। उसके बाद जब यहाँ पे सवेरे मैं और भी ज्यादा बॉसेस को ढूंढने के लिए निकल रहा था ना, तभी अचानक से पता नहीं क्यों नेट बीड कनेक्शन के कारण मेरा जो ना गाइस यहाँ पे गेम क्रैश हो गया। और गेम क्रैश होने के बाद मेरे साथ हो गया सबसे बड़ा वाला हादसा, जैसे कि आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हो डिमोनिक रिपर एम्प्रेस मेरे को पता नहीं कहाँ से भेज गया ये डिमोनिक रिपर एम्प्रेस वहां पे रेडवुड में स्पॉन होगी, और उसी टाइम पे स्पॉन हुई जिस टाइम पे मेरा गेम क्रैश हुआ, और मेरा गेम भी इतना ललित है कि वहीं पे क्रैश हुआ जहाँ पे वो डिमोनिक रिपर एम्प्रेस थी। अभी गाइज मेरे को सबसे पहले चाहिए था मेरा डायनो, मैंने यहाँ पे टेलीपोर्टर पे यूज करा गाइज डायनो ट्रैकर, लेकिन वो काम नहीं आया, और मेरे को पता चल गया था कि हमारा स्काई राइडर अभी हमारे साथ नहीं रहा गाइस, क्योंकि स्काई राइडर के डिमोनिक रिपर एम्प्रेस ने जब गेम क्रैश हुआ था ना तब स्काई राइडर और मेरी दोनों की पेटी जो ना गाइस वो एक साथ बना ली थी। मतलब मेरे को इतना ज्यादा बुरा लग रहा था ना गाइस, इतनी ज्यादा मेहनत से, अच्छा मेहनत नहीं एक बेरी खिला के उसको भाई मैंने टेम करा था वो अलग बात है, लेकिन कितने टाइम से कितने दिनों से गाइस वो मेरे साथ था गाइस, यहाँ पे कितने ज्यादा लंबी लंबी दूरियां भाई उसके ऊपर बैठ के मैंने भाई यहाँ पे तय की थी, लेकिन उसको बेस क्या एक गेम क्रैश के कारण अपने यहाँ पे जान गंवानी पड़ी। मैं बोला चलो जाके जो ना गाइस उसकी डेड बॉडी देख के आ जाते, जहाँ पे मैं मरा था वो लोकेशन मेरे को बताती, इसलिए मैं जैसे ही वहां पे पहुंचा मेरे को भेज के आ कोई रिपर बॉस दिखे भाई, मेरा जो दिमाग घुमाना, लेकिन मैं उसके खिलाफ कुछ कर नहीं सकता यार, उसने मेरे इतने प्यारे प्यारे से भाई स्काई राइडर को खाया, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, उसने उल्टा उसके मिनियन मेरे पीछे लगा दिए और उन मिनियन को मेरा जो रोडोल्फ है ना वो भाई दूसरा भी डैमेज नहीं दे पाया। उसके बाद मेरे को समझ में आ गया फिलहाल के लिए इस रिपर का हम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, हमको पावरफुल वाला डायनो टेम करके उसके बाद जाके उस रिपर को मारना पड़ेगा। अभी गाइस इट्स रिवेंज टाइम, अभी हमको चाहिए बदला, अभी देखता हूँ रिपर उस रेड वुड में कैसी जिंदा रहती है भाई। ठीक है मैं जाऊंगा एक खतरनाक सा डायनो टेम करके लाऊंगा, उसके बाद उस रिपर की बैंड बजा के रख दूंगा, लेकिन अभी नहीं गाइस बाद में, अभी भाई हमको और इंपॉर्टेंट काम जो ना गाइस वो करना बाकी है, वो है गाइस यहाँ पे टेक वाला रिप्लिकेटर बनाना। तो मैंने भाई फटाक से जो ना गाइस टेक वाला जो रिप्लिकेटर है वो यहाँ पे बना डाला, और गाइस यहाँ पे जो ना गाइस मैं उम्मीद यही कर रहा था कि टेक रिप्लिकेटर में जो ना गाइस अपन बड़े आराम से शील्ड बना पाए, लेकिन गाइस एक और दिक्कत यहाँ पे ये थी कि वो शील्ड जो ना गाइस वो बनाने के लिए मेरे को जो ना गाइस यहाँ पे चाहिए थे थोड़े से और एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट जो ना गाइस ये रिप्लिकेटर जो ना गाइस वो बनाने में वेस्ट हो गए थे। और गाइस यहाँ पे मैंने जब सर्च करके देखा ना रिप्लिकेटर में, तब मेरे को प्राइमल फेयर वाली जो शील्ड
एलियन आ गई वो दिखाई नहीं दी मेरे को भाई, काफी ज्यादा बुरा लगा। मेरे को समझ में ना आया मैं करूँ तो करूँ क्या। मैंने सोचा एक काम कर लेते, प्राइमल फियर वाली शील्ड भरे ही ना बन रही है, अपन नॉर्मल वाली शील्ड बना लेंगे, क्योंकि दोनों शील्ड बनाने में हमको उतने ज्यादा रिसोर्स लगेंगे। इसलिए भाई मैं निकल गया और ज्यादा बॉस फाइट करने के लिए, क्योंकि मेरे को और भी ज्यादा जो ना गाइस यहाँ पे एलिमेंट की जरूरत थी। तो गाइस अपन निकल गए थे भाई रेडवुड की तरफ। मैंने जो हमारा भाई फायर वाला भाई ये पेगासस है ना गाइस, इसको ट्रैकर भी खिला दिया था, ताकि अगर इनकेस में मर जाता हूँ ना तो इसको भाई वापस से मेरे पास ट्रैकर के थ्रू मैं बुला सकूँ। और सबसे पहले मेरे को यहाँ पे डोडो रिपर बॉस जो ना गाइस वही मिली, और पिछले वाली लोकेशन पे ही मिली, तो मैं काफी ज्यादा खुश था। मैंने इस डोडो रिपर को जो ना गाइस यहाँ पे पेलम पाल दे दिया, इससे भाई उतने ज्यादा एलिमेंट नहीं मिले, लेकिन थोड़े से जो है ना गाइस ठीक ठाक एलिमेंट मेरे को मिल गए थे। वो सारे एलिमेंट मैंने अपने इन्वेंटरी में ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद मैं निकल गया और भी ज्यादा भाई रेडवुड के अंदर भाई, क्योंकि भाई सबसे खतरनाक बॉस वहीं पे मिलने वाले थे। और रेडवुड के अंदर जो ना गाइस यहाँ पे मेरे को दो प्राइमल डायर बियर दिखे। मैं बोला चलो भाई एक काम कर लेते, एक बियर को जो ना कुपचेवाड़ी में लेके जाएंगे और पहले एक को मारेंगे उसके बाद दूसरे को मारेंगे। लेकिन भाई अपनी फूटी किस्मत, आपको बताया ना गाइस हमारी किस्मत बहुत ही ज्यादा झंड है, इसलिए भाई दो बियर जो ना गाइस एक साथ मेरे पीछे पड़ गए। मैं बोला अरे भाई क्या, अभी तो भाई मेरी बैंड बच जाएगी यार। लेकिन गाइस मैं यहाँ से कल्टी भी नहीं मार सकता था, क्योंकि यहाँ पे जो ना गाइस मेरे को एलिमेंट चाहिए थे, तो इसलिए जो ना गाइस मैंने यहाँ पे दोनों बियर से जो ना गाइस एक साथ जो ना गाइस फाइट शुरू कर दी। इनसे फाइट करने में भाई मेरे फट के हाथ में आ रही थी। ये लोग जो ना गाइस मेरी इतनी ज्यादा एचपी एक साथ डाउन कर रहे थे ना, मैं आपको क्या बताओ। लेकिन गाइस जैसे तैसे जो ना गाइस यहाँ पे हीलिंग पोशन स्पैम कर करके जो ना गाइस इस बियर से जो ना गाइस मैंने फाइट करी। एंड एंड में जो ना गाइस यहाँ पे मैंने जो ना गाइस एक एक करके दोनों बियर की जो ना गाइस बैंड बजा दी। पहले बियर को पेलम पाल दे दिया, उसके थोड़ी देर बाद जो ना गाइस दूसरा बियर भी जो ना गाइस वो यहाँ पे लुढ़क गया, क्योंकि उसकी एचपी जो ना गाइस उतनी ज्यादा नहीं थी। मेरे को सामने की तरफ जो ना गाइस आर्टिफैक्ट ऑफ द ग्रेट दिखाई दे रहा था, मैं बोला नहीं भाई फिलहाल के लिए इसे पंगा नहीं लेते, वरना स्टन करके जो ना गाइस मेरे को उल्टा मार देगा। इसलिए गाइस यहाँ पे मैंने दोनों बियर को मारा, उनसे जो भी एलिमेंट मिले थे वो मैं लेके चला गया गाइस सीधा बेस में। वहां पे मैंने नॉर्मल वाली शील्ड बनाई, क्योंकि प्राइमल फियर वाली जो शील्ड है ना गाइस वो मैं कहीं पे बना नहीं सकता था। मैंने बोला चलो भाई ये नॉर्मल वाली शील्ड बना लेते, इससे जो ना गाइस अपना बेस जो ओशन वाला बेस है ना गाइस वो कवर हो जाएगा शायद, इसलिए मैंने वो नॉर्मल वाली शील्ड बना ली। एंड उसके बाद वो शील्ड लेके जो ना गाइस मैं चला गया हमारे ओशन समंदर वाले बेस के पास। जब मैं यहाँ पे भाई समंदर वाले बेस के पास आया ना, मेरी फट के हाथ में आ गए, क्योंकि यहाँ पे रॉक्स भाई लूट बॉक्स और पता नहीं कौन कौन से फलाना ढिलाना डायनो सारे मेरे बेस को ऐसे पप्पी देके खड़े थे, और भाई मेरे बेस को उड़ाने के लिए बस ऐसे रेडी थे। मैंने फटाक से यहाँ पे शील्ड लगाया, उसके अंदर जो एक्स्ट्रा एलिमेंट थे वो डाले, और उसके बाद मैंने जो शील्ड है ना गाइस वो एक्टिव करने के लिए छोड़ दी भाई। उसके बाद मैं इंतजार कर रहा था, ये सारे के सारे डायनो जो ना गाइस मेरे बेस के ऊपर अटैक कर रहे जा रहे थे, बम चिकी चिकी बम फोड़े जा रहे थे, और मैं कुछ और कर भी नहीं सकता था भाई। ये लूट बॉस है ना गाइस, इसको इतनी ज्यादा चुल मची होती ना, वो पता नहीं क्यों भाई खाम का बॉम्ब फेंके जा रहा था यार, और हमारा बेस डैमेज कर रहा था। उसके बाद मैंने जब देखा तब मेरे को पता चला कि इसको एक्टिवेट होने में ना इस शील्ड को 5 मिनट लगते हैं, इसलिए मैं जो ना गाइस यहाँ से कल्टी मारती। मैं नहीं चाहता था 5 मिनट तक मैं वहां पे रुकूं, और 5 मिनट में जो ना गाइस अपना बेस का भाई नामो निशान मिट जाता, इसलिए मैंने जो ना गाइस हमारे पुराने बेस पे यहाँ पे टेलीपोर्ट मार लिया। और अभी बस जो ना गाइस मेरे को 5 मिनट तक यहाँ पे इंतजार करना था, एंड 5 मिनट बाद वो शील्ड एक्टिव होने वाली थी। लेकिन शील्ड एक्टिव होने के बाद असली झटका मेरे को लगा था। 5 मिनट बाद जब शील एक्टिव हुई, मैं भाई अपने रोडोल्फ को लेके जब भाई हमारे ओशन भाई घर होम पे चला गया भाई, तब मेरे को पता चला कि ये शील्ड तो टट्टी है बेस के अंदर। मतलब भाई ये इतू सा गोला भाई, ये काय का शील्ड होती है बेस के अंदर भाई। मेरा जो सारा एलिमेंट हर एक चीज तेरा गाइस हर एक चीज यहाँ पे वेस्ट चली गई थी भाई। उसके बाद मेरा जो दिमाग घुमाना भाई सच में बता नहीं सकता, मैंने इतना ज्यादा मेहनत करी थी भाई, दिन रात एक कर दिया, 3 से 4 5 6 दिन भी निकल गए होंगे भाई यहाँ पे उन बॉसेस को मारने के लिए, ताकि मेरे को एलिमेंट मिल सके। और उससे मेरे को क्या मिलता है, ये इतू सी शील्ड। मजाक कर रहा भाई, इससे ज्यादा बड़ा तो मेरा साबुन होता है भाई, क्या मजाक कर रहा हो भाई। मेरा जो दिमाग घुमाना, उसके बाद में बोला भाड़ में जाइए सारी चीजें। मैं यहाँ पे इस भाई लूट बॉस को पप्पी देके निकल गया गाइस सीधा जो ना गाइस अपने घर की तरफ। मेरा बहुत ज्यादा दिमाग घुमा हुआ था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था करे तो करे क्या। मैंने उसके बाद भाई यहाँ पे डिसाइड करा चलो भाई एक काम कर लेते, अपन प्राइमल फियर वाली जो शील्ड है ना गाइस वो यहाँ पे जो है ना गाइस ये कर लेंगे गाइस, ठीक है बना लेंगे। अभी वो बना कैसे सकते हैं, मैंने थोड़ा सा गूगल पे जब रिसर्च करा तब मेरे को पता चला कि वो शील्ड जो है ना गाइस अपने जो प्राइमल फियर
स्मृति होती उसके अंदर ही बन सकती है, लेकिन मेरे को उसके अंदर वो शील्ड दिखाई नहीं दे रही थी। मेरे को पता नहीं क्यों, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही थी। तो मैंने कहा एक और भाई यहाँ पे भाई स्मृति बना दी। मेरे को लगा भाई पहली वाली मेरी ग्लिच होगी, और इसके अंदर सर्च करा, इसके अंदर भी मेरे को भाई कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर मैं बोला हाय रे मेरी फूटी किस्मत, भाड़ में जाए ये चीज, मैं थोड़ा सा भाई यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करूंगा, और उसके बाद भाई मैं यहाँ पे प्राइमल फियर वाली शील्ड खुद के इन्वेंटरी में बना लूंगा। तो उसके लिए मेरे को जो ना गाइस थोड़े से एलिमेंट चाहिए थे। तो भाई मैंने सोचा अरे इजी पीजी यार, एलिमेंट अपन को चाहिए, मैं पुरानी वाली शील्ड तोड़ दूंगा, मेरे को एलिमेंट मिल जाएंगे, ना 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 चलो भाई। तो मैं चला गया पुरानी वाली शील्ड तोड़ने के लिए। बट जब मैंने पुरानी वाली शील्ड तोड़ी, उसके बाद बेस गैप उसमें से एक एक एलिमेंट नहीं मिला। एक एलिमेंट बनाने के लिए 75 गिन के एलिमेंट लिए थे, लेकिन डिमोलिश करने के बाद एक भी एलिमेंट नहीं आ दिया। यार इन लोगों ने मेरा भाई बहुत ज़्यादा दिमाग घुमा। मैं बोला बेस गैप इससे एलिमेंट नहीं मिला चलेगा भाई, मैं जाके मेरा रेप्लीकेटर उड़ा दूंगा, उससे तो एलिमेंट मिल ही जाएंगे। मैं पहुंचा भाई वैसे दौड़ दौड़ के अपने घर के पास, मैंने रेप्लीकेटर भी उड़ा डाला और तुम्हारे भाई को वापस से कट गया। मेरे को वापस से यहाँ पे एक भी एलिमेंट नहीं मिला भाई। मतलब 10-12 दिन की मेहनत जो बॉसेस को ढूंढ ढूंढ के मारने में मैंने करी थी, वो सारी पानी में चली गई गाइस। कुछ कुछ नहीं हुआ भाई, खत्म, टाटा बाबे गुड बाय। फिर मैं बोला ए यार अपनी किस्मत में अपनी किस्मत ही भाई झंडे भाई, छोड़ो भाई इस चीज़ को, मैं जो ना गाइस जाके वापस से भाई 75 एलिमेंट यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। तो मैं निकल गया वापस से गाइस रेड वुड के अंदर, ताकि वहाँ पे खतरनाक कोई डेंजरस बॉसेस को मार के मैं एलिमेंट लेके आ पाऊँ। एंड गाइस यहाँ पे लकीली मेरे को एक बियर दिखा, मैं चलो बोला चलो भाई ये बियर सर जी जो ना गाइस इसी को भाई भगवान के पास पहुँचा डाल दे, और भाई उससे जो ना गाइस मैंने फाइट शुरू कर दी। लेकिन गाइस आपको बताया कि तुम्हारे भाई की किस्मत कितनी ज्यादा फालतू है भाई। भाई जब किस्मत ही वो डांडो तो क्या करेगा पांडो भाई। यहाँ पे जो है ना गाइस जब मैं बियर को प्राइमल वाले बियर को भाई उंगली कर रहा था, उसको मार रहा था, पता नहीं कहाँ से उसने बैकअप बुला लिया, बीस का ओरिजिन वाला बियर जो ना गाइस वो भी मेरे पीछे आ गया भाई मारने के लिए। मतलब क्या भाई प्राइमल बियर वाले, मतलब प्राइमल बियर के ऊपर ओरिजिन बियर फ्री, ऐसा कुछ स्कीम चल रहा है क्या भाई? मेरा जो दिमाग घुमाना भाई। और अभी भाई आपको बताइए कि ओरिजिन वाले जो बियर्स होते हैं उनकी एचपी कितनी ज़्यादा होती है और उनको मार पाना कितना मुश्किल होता है। लेकिन मैंने सोचा एक काम कर लेते, भाड़ में जाए बेच के ओरिजिन वाला बियर, मेरे को उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, मैं भाई प्राइमल वाले बियर को मारूंगा और कल्टी मार दूंगा। तो मेरी जो फाइट है ना गाइस वो मैं लेता रहा, और भाई मैंने फाइनली यहाँ पे प्राइमल वाले बियर को चेप डाला। उसके बाद मैंने टेलीपोर्टर का इस्तेमाल करके जो ना गाइस कल्टी मार ली सीधा सीधा भाई, ठीक है। उसके बाद मैं वापस से जो ना गाइस निकल गया यहाँ पे ढूंढने के लिए और बॉस, क्योंकि मेरे को और भी ज्यादा बॉसेस चाहिए थे जिनसे मेरे को एलिमेंट मिल सके। तो भाई आगे के जो ना 4-5 दिन इसी में निकल गए, बॉस को ढूंढो, उनको मारो, 10-12 एलिमेंट इकट्ठा करो। फाइनली मेरे को जाके एक प्राइमल वाला कार्नो बॉस मिला था, मैंने सोचा चलो भाई इसको मार लेते, इससे मेरे को भाई टिक टाक एलिमेंट मिल जाएंगे। और गाइस लकीली उसको मारने के बाद जो ना गाइस मेरे को काफी अच्छे एलिमेंट मिल गए। हां मेरे को जो ना गाइस आप बोलते 75 एलिमेंट के लिए इतने ज्यादा दिन क्यों लगे, क्योंकि मेरे को गाइस 75 एलिमेंट नहीं चाहिए थे, मेरे को और थोड़े एक्स्ट्रा एलिमेंट चाहिए थे, क्योंकि मैं शील्ड तो बना लेता लेकिन शील्ड को पावर देने के लिए भी मेरे को एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। इसलिए जो ना गाइस मैंने भाई यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट भाई इकट्ठा कर लिए थे। उसके बाद मैं सीधा सीधा निकल गया अपने घर के पास, वहां पे मैंने जो फोर्स फील्ड होती है प्राइमल फियर वाली उसको बना डाला गाइज। एंड उसके बाद जो है ना गाइज प्राइमल फियर वाली फोर्स फील्ड बनाने के बाद मैं उस फोर्स फील्ड को लेके गया गाइज यहाँ पे अपने ओशन वाले घर के पास। मेरे को भाई यहाँ पे जो ना गाइज इस फोर्स फील्ड को एक्टिव करना था और अपने घर को जो समंदर में बनाया था ना गाइज उसको बचाना था, इसलिए मैंने वो शील्ड वहां पे लगाई, उसके अंदर एलिमेंट डाला, उसको एक्टिव करा, एंड तुरंत ऑन दी स्पॉट डायरेक्टली वो शील्ड एक्टिव होगी। मैंने इसका रेडियस जो ना गाइज मैक्सिमम करके रखा था, एंड भाई पूरा एरिया क्लियर हो गया था गाइज, मैं काफी ज्यादा खुश था गाइज। लेकिन फिर भी एक दो ऐसे डायनो थे ना जो भाई विदाउट माय परमिशन वे मेरे शील्ड के अंदर अटके पड़े थे। अभी मेरे को जो ना गाइस उनको उड़ाने का काम करना था, तो मैंने हमारा पेगासस निकाला और एक एक की जो ना गाइस यहां पे बुर्जी बना के रख दी, बुर्जी भेज के आग। एंड अभी हमारा बेस फाइनली यहां पे इतने ज्यादा दिनों के बाद, मेरे को पता नहीं लिटरली गाइस कि ये सारी चीजें करने में मेरे को कितने दिन निकल गए, लेकिन भाई काफी ज्यादा टाइम लगा गाइस ये सारी चीजें करने में। लेकिन फाइनली इतने ज्यादा दिनों के बाद अपना जो बेस था ना गाइस वो यहां पे भाई बन गया था, उसको मैंने सुरक्षित कर लिया था। एंड अभी उसके ऊपर मैं बिल्डिंग का जो काम है ना गाइस वो बड़े आराम से शुरू कर सकता था। और कुछ मेहनत करने के बाद जो ना गाइस यहां पे हमारे घर
घर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना गाइज, वो यहाँ पे मैं बनाने में सफल रहा। मैंने जो ना गाइज सीलिंग बिलिंग, उसके बाद रैंप भी लगा के अपना एक खूबसूरत सा जो ओशन बाय प्लेटफॉर्म पे जो घर बनाना था ना गाइज, उसका बेस बना डाला था। अभी जो सारी चीजें मैंने बनाई है ना गाइज, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने पूरे के पूरे जगह पे जो ना गाइज सीलिंग लगा के जो बीच में गैप थे वो भर डाले। यहाँ पे जो ना गाइज हम क्या करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले गाइज इस तरफ आ जाओ ना तनिक गाइज, यहाँ पे जो जगह भाई मैंने छोड़ी हुई है ना गाइज, ये रहा भाई हमारा प्राइवेट स्विमिंग पूल। यहाँ पे तुम्हारा भाई ऐसा स्विमिंग करेगा। यहाँ पे मैं एक दो एलिगेटर छोड़ दूंगा गाइज अपने साथ स्विमिंग करने के लिए गाइज, ठीक है। यहाँ पे अपन स्विमिंग करेंगे और जो रैंप है ना गाइज उसके ऊपर से अपन बड़े आराम से जो ना गाइज ऊपर चढ़ सकते हैं, इसलिए मैंने डबल का रैंप रखा है। उसके बाद जो ना गाइज ऑपोजिट साइड में यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे एक तरफ मैं अपना घर बनाऊंगा एकदम खूबसूरत सा, और दूसरी तरफ जो ना ग्रीन बीन हाउस बना डालूंगा। और ये जो बड़ी सी बीच में जगह आप देख रहे हो जो मैंने छोड़ी है, वहां पे जो भी मैं वाटर वाले डायनो टेम करूंगा ना गाइज, वो सारे के सारे वाटर वाले डायनो जो ना गाइज वो मैं यही पे इसी बड़े से जगह पे जो ना गाइज रखने वाला हूँ। ये साइड में पता नहीं क्यों एक रैंप जो ना गाइज वो लग ही नहीं रहा। मैंने काफी ज्यादा कोशिश करी थी लेकिन यहाँ पे एक रैंप लग नहीं पा रहा है। पता नहीं शायद कोई ना कोई ग्लिच है उसके कारण यहाँ पे लग नहीं पा रहा है। उसको अपन छोड़ देते अभी जो ना गाइज। जैसे कि आपने हमारा घर देख लिया, उसका जो स्ट्रक्चर है ना गाइज वो एकदम ओपी बन चुका है गाइज। और यहाँ पे आगे जाके मैं एकदम ओपी वाला घर बनाने वाला हूँ। अभी जैसे जो ना गाइज मैंने यहाँ से भाई घर पे जो ना गाइज टेलीपोर्ट मारा ना, मेरे लिए वहाँ पे एक सरप्राइज भाई इंतजार कर रहा था। पता नहीं कहाँ से हर एक चीज भाई मतलब मेरा मतलब एल लगाने के लिए यहाँ पे बनी हुई है भाई। मैं घर पे टेलीपोर्ट मारा बेच गया कि इलेक्ट्रिक वाली भाई चूहिया जो ना गाइस यहाँ पे इंतजार कर दी थी। एंड अभी ये जो ना गाइस इतनी खतरनाक है ना कि ये आपको और आपके डायनो को स्टन कर देती है। उससे क्या होता है आपका डायनो कोई भी अटैक नहीं कर पाता। तो मैंने काफी ज्यादा कोशिश करी गाइस इस चूहिया को मतलब हमारी जो भाई मेगा रैप्टर है गाइस इलेक्ट्रिक वाली, इसको मारने की। लेकिन इसका जो इलेक्ट्रिक वाला अटैक है ना गाइस वो मतलब मेरे को अटैक ही नहीं करने दे रहा था। मैंने उसको एक का भी डैमेज नहीं दिया, एक का गाइस। मैंने काफी कोशिश करी गाइज मतलब इधर उधर उड़ के जाने की, ये करने की, वो करने की, लेकिन उसने मेरा स्टैमिना भी ड्रेन कर दिया था। एंड उसके बाद जो ना गाइज मेरे भाई यहाँ पे वांदे हो गए थे, एल लग गए थे सिंपली गाइज। तो मैंने एक काम करा, मैं इसको जो ना जैसे तैसे करके जो ना पहाड़ी के नीचे लेके आया। एंड मैंने थोड़ा सा कैलकुलेट मार के जो ना गाइज यहाँ पे टेलीपोर्ट करने की कोशिश करी। अभी टेलीपोर्ट मैंने कैलकुलेट करके क्यों करा पता है क्या? अगर आप नॉर्मल टेलीपोर्ट करने की कोशिश करो ना तो आप अगर स्टन होते हो ना तो आप टेलीपोर्ट नहीं कर सकते हो गाइज, ठीक है? वो सबसे ज्यादा बुरी वाली बात होती है। इसलिए जो ना गाइज मैंने कैलकुलेट करा, मैं सिर्फ एक सेकंड के लिए स्टन से रिमूव होता था तो मैंने उस एक सेकंड में यहाँ पे टेलीपोर्ट मार दिया अपने घर पे। अभी वो मेगा रैप्टर से तो पीछे छूट गया था, लेकिन अभी यहाँ पे जो ना गाइज मेन काम करना बाकी था। और वो मेन काम था गाइज अपना एक खूबसूरत एंड ओपी सा घर जो ना गाइज वो यहाँ पे भाई प्राइमोर्फियर रोड आर्क टनल में ओशन के ऊपर बनाने का काम। मैंने अपना घर बनाने के लिए मेटल की बहुत सारे रैंप बीम वॉल बिल और जो भी चीजें घर बनाने के लिए चाहिए होती है ना गाइज वो सारी की सारी बहुत ज्यादा मात्रा में बना दी थी, क्योंकि मेरे पास मेटल भर भर के पड़ा हुआ था। एंड उसके बाद वो सारी चीजें लेके गया मैं सीधा ओशन प्लेटफॉर्म पे और वहां पे घर बनाने का जो काम है ना गाइज वो मैंने कर दिया शुरू। यहाँ पे जो ना गाइज मैं थोड़ा सा अलग डिजाइन का जो ना गाइज घर बनाने वाला था, वो जो साइड वाला जो एक जगह है ना गाइज वहां पे शायद मैं ग्रीन हाउस बनाऊं फ्यूचर में, लेकिन फिलहाल के लिए बस मेरे को यहाँ पे एक घर बनाना है। और एकदम भाई हाईफाई घर नहीं बनाने वाला था, मैं सिंपल सा घर बनाने वाला था। तो वो काम मैंने शुरू कर दिया और गाइज दिन रात एक करके मतलब आप बिलीव नहीं करोगे ये घर बनाने में इतना ज्यादा टाइम लगाना कि क्या ही बताओ। लेकिन दिन रात भाई रात में भी हाथ में मशाल लेके जो ना गाइज यहाँ पे मैं घर बनाने का काम जो ना गाइज वो जारी रख रहा था। और लगभग एक दो दिन के मेहनत के बाद जो ना गाइज तुम्हारे भाई का घर जो ना गाइज वो फाइनली यहाँ पे रेडी हो चुका था। तो गाइज ये देखे हमारा घर कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे जो ना गाइज मैंने आर्क टनल वाले ड्रम भी लगा के रखे थे। भाई साहब कॉपीराइट वाला म्यूजिक बजा रहे हैं क्या? इसमें से कुछ अलग ही टोन का जो ना गाइज साउंड निकल रहा है। ये दो दो ड्रम जो ना गाइज मैंने दोनों साइड में रखे। उसके बाद जो ना गाइज ये देखो अगर हाँ भाई अभी तक फिलहाल के लिए पेंट नहीं करा इसलिए भाई उतना ज्यादा ओपी नहीं लग रहा, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने ठीक ठाक ही घर बनाया है। एंड गाइज यहाँ पे जो ना गाइज मैं एक चीज भाई करना भूल ही गया। यहाँ पे नीचे साइड में आप बोलोगे क्या है गाइज, तो नीचे साइड में जो ना गाइज एक सीक्रेट कंपार्टमेंट टाइप अपन ने बना के रखा है। यहाँ पे जो ना गाइज मैं एक डोर लगा देता हूँ। एंड ये देखो गाइज इसके अंदर जो ना गाइज जो भी चीजें होगी जो हमको चाहिए नहीं होगी, एक्स्ट्रा चीजें होगी, स्टोरेज बोरेज बॉक्स और भाई फालतू की चीजें, वो अपन अपने घर के जो ना गाइज ये एक तरह से अपना बेसमेंट है गाइज, ठीक है? इस घर को तुम्हारे भाई ने बेसमेंट भी बना के रखा है। एंड अंदर की तरफ यहाँ पे बेड बना के रखे, यहाँ पे स्मिदी बीदी अपग्रेड स्टेशन, यहाँ पे बॉक्सेस और ये रही गाइज हमारी भाई स्टेयर जिससे अपन जो ना गाइज इस घर के छत पे जा सकते हैं। वाह यहाँ पे एक रिपर भी अपना इंतजार कर रही है।
अच्छी बात है। चलो बाहर भाई बहुत ज्यादा खतरा है, शील्ड के कारण अपन यहाँ पे भाई बचे हुए हुसैन पे। तो गाइस ये रहा हमारा भाई प्याला प्याला सा छोटू मोटू सा घर गाइस, इसको कलर विलर करने का काम जो ना गाइस वो अपन फ्यूचर में करने वाले है। और इस घर को जो ना गाइस तीन साइड से मैंने जो ना गाइस डोर लगा के रखे। और आपको ये घर कैसे लगा नीचे बताना यार, एक लाइक तो बनता है यार इस घर के लिए, पता है उतना अच्छा नहीं है। फिर भी गाइस अभी गाइस कुछ चीजें बनाई हुई है वो जाके ना घर के अंदर अपन लगा लेते गाइस। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने जो ना गाइस ग्रिल बिल और कुछ फोर्ज बना के रखी है। अभी मैंने ये वाली प्राइमल प्योर वाली फोर्ज क्यों बनाई बताया गया, क्योंकि नॉर्मल फोर्ज जो होती है ना गाइस वो इतना ज्यादा आवाज करती है, इतना ज्यादा आवाज करते है कि क्या ही बोलू। अभी यहाँ पे फिलहाल के लिए जो ना गाइस अपन ये तीन ग्रिल जो ना गाइस वो लगा लेते। एंड गाइस अभी ये दो फोर्ज जो ना गाइस ये काफी ज्यादा बड़ी लग रही थी मेरे को, इसलिए जो ना गाइस मैंने इन दोनों फोर्ज को जो ना गाइस दरवाजा के दो साइड में जो ना गाइस लगा दिया। उससे जो ना गाइस एक कूल लुक भी आ रहा था अपने घर को। एंड गाइस ये जो ना गाइस छत से बाहर भी नहीं निकल रही थी, अगर मैं किसी कोने में लगा देता ना तो ये छत से बाहर निकल जाती। तो गाइस कैसे लग रहा हमारा खतरनाक एंड ओपी सा घर गाइस। तो घर बनाने का काम जो ना गाइस वो यहाँ पे भाई कंप्लीट हो चुका था। अभी गाइस मेन काम गाइस अभी शुरू हो रहा है, जब वीडियो एंड होने को आई ना तब गाइस अपना मेन काम जो ना गाइस वो शुरू होने वाला है। एंड वो काम है गाइस यहाँ पे डायनो टीमिंग का। सबसे पहले गाइस मैंने सोचा कि यहाँ पे प्राइमल फियर वाले जो किबल्स है ना भाई वो बना लेते, और वो बनाने के लिए मेरे को चाहिए थे गाइस डोडो। डोडो तो मेरे को रेड वुड में मिल नहीं रहे थे, इसलिए मैं जंगल की तरफ भाई निकल पड़ा। एंड वहाँ पे भाई मतलब डोडो का ऐसे भाई मेला लगा हुआ था भाई, वहाँ पे हर तरह के डोडो जो ना गाइस मेरे को दिखाई दिए। कुछ अल्फा डोडो, जूम्बी डोडो, टॉक्सिक डोडो, हर एक तरह के डोडो थे, लेकिन मेरे को तो ये नॉर्मल वाले जो डोडोज है ना गाइस वो चाहिए थे। तो इनको गाइस मैंने यहाँ पे जो ना गाइस हमारा इटर्नल वाला बोला जो ना गाइस वो मार मार के भाई सात आठ नहीं भाई तीन चार डोडोज को पहले भाई नॉकआउट करा। उसके बाद जो ना गाइस उनके अंदर यहाँ पे किबल एंड गाइस हमारा जो भाई स्टार्विंग पोशन है वो डाल के जो ना गाइस भाई एक एक करके मैंने जो ना गाइस यहाँ पे काफी ज्यादा डोडो जो ना गाइस उनको टेम कर लिया था भाई। यहाँ पे जो ना गाइस हमारा टेमिंग का प्रोसीजर, डोडोज को नॉक करो, उनके अंदर फूड डालो, उसके बाद उनको टेम कर लो, वो प्रोसीजर जो है ना गाइस चालू था। और मैंने काफी ज्यादा डोडोज भी टेम कर लेते, लेकिन पनौती गाइस पनौती हमारा कभी भी पीछा नहीं छोड़ती। मेरा गेम क्रैश हो गया, और गेम क्रैश कब हुआ अगर आप थोड़ा सा पीछे जाके देखो तो आपको पता चलेगा मेरे पीछे लगा था ज़ॉम्बी डोडो एंड उसी टाइम पे गेम क्रैश हुआ। मतलब जब मैं गेम में घुसूंगा तुम्हारे भाई की पेटी बन चुकी होगी। A few moments later. जब मैं गाइस गेम के अंदर घुसा ना तब मेरे को पता चला ज़ॉम्बी डोडो ने तो मेरे को मारा नहीं, लेकिन न्यूक डोडो जो ना भाई गया वो आके फट के मेरे को मार के जरूर चला गया। लेकिन कोई ना गाइस यहाँ पे जो भी डोडोस में टेम कर रहा था ना उनको मैं फटाफट क्रायोपोड करके जा रहा था, तो इसलिए जो भी मैंने डोडो टेम करे ना वो मेरे इन्वेंटरी के अंदर बिल्कुल सेफ है। लेकिन हमारा पेगासस वहाँ पे अटका पड़ा था, तो अभी टाइम था गाइस पेगासस को बचाने का। तो मैंने सारा का सारा अपना क्रॉप्स भी जो है ना गाइस वो यहाँ पे टेलीपोर्टर से रिट्रीव कर लिया है। उसके बाद मैं निकल पड़ा गाइस यहाँ पे बचाने के लिए हमारे फायर वाले पेगासस को। कुछ टाइम बाद गाइस मैं फायर वाले पेगासस के पास पहुंच गया, और यहाँ पे भाई हर तरफ जो ना गाइस लाशें पड़ी थी। न्यूक डोडो ने जो ना गाइस बहुत ही ज्यादा बड़ा एटम बम भाई मेरे को लग रहा है यहाँ पे डाला हुआ था। कोई ना चलो, उसके बाद मैं फायर पेगासस पे बैठ गया एंड मैं सोचने लगा कि क्या टेम करूं, क्योंकि अभी जो ना गाइस उतना ज्यादा टाइम बचा नहीं था। लेकिन तभी जो ना गाइस मेरे को पहाड़ी के ऊपर पैरट और गीगा दिखाई दिया। मैंने सोचा पैरट बाद में टेम कर लेंगे, अभी के लिए जो खतरनाक सा गीगा है जिसको टेम कर लेते। और मेरे पास जो ना गाइस इटर्नल वाला बोला था, तो मैंने सोचा एक काम कर लूंगा, ये बोला मारूंगा तो एक दो सेकंड में ऐसे भाई गीगा नॉकआउट हो जाएगा। तो मैं पूरा चोड़ में हां भाई एकदम सीना तान के गीगा को जो ना यहां पे बोला मारने के लिए चला गया। मेरे को लगा था गीगा गीगा यार कितना डैमेज देगा, 200 300 का मेरे को थोड़ी मार देगा। लेकिन भाई इसका एक पटके में कौन पेटी बनाता है भाई, बहुत गंदी तरीके से पहला भाई एक बड़के में तुम्हारे भाई की बेटी बना डाली। लेकिन भाई अभी मैंने भी ठान लिया था कि मैं इसको टेम करके रहूंगा, और मैंने अभी तक पूरा इतना सब कुछ टेम कर लिया, इतना सब कुछ बना लिया, लेकिन अभी तक मैंने ट्रैंक एरो नहीं बनाई है। समझ रहे हो भाई, तुम्हारे भाई का स्वैग है भाई, विदाउट ट्रैंक एरो बनाए भाई तुम्हारे भाई ने इतना ज्यादा बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। अभी मेरे भाई मैंने अभी दिल पे ले लिया था, मेरे को गीगा किसी भी कीमत पे चाहिए था, इसलिए मैं वापस से जो है ना गाइस यहाँ पे निकल गया गीगा को टेम करने के लिए। मैंने अपने पेगासस को ट्रैकर खिला रखा था, तो इसलिए जो ना गाइस मैंने पेगासस को यहाँ पे बुलाया। उसके बाद मैं गीगा को जो ना टेम करने के लिए निकल गया। मैं बोला इस बार जो है ना पीछे से जाके उसको डप्पा दूंगा, लेकिन बेच गया वो जो है ना गाइस किसी और ही डायनोस को मारने में जो है ना गाइस यहाँ पे बिजी था। मैंने बोला चलो भाई वो किसी और को मारने में बिजी,
लीजिए, अपन एक काम कर लेते हैं, फटाक से तड़ाक से चलते और इसको जो है ना गाइस पीछे से मस्त बेकी बोला मार देते। लेकिन वन शॉट में उसने उन डायनोस को पहले ही मार दिया था और मैं जब बोला मारने गया तो उल्टा गाइस वो मेरे पीछे पड़ गया। लकीली मैं टाइम पे जो है ना गाइस अपने पेगासस के ऊपर बैठ गया था एंड उसके बाद जो है ना उड़ उड़ के मैं थोड़ा सा हाइट पे चला गया। मेरे को लगा था यार हाइट पे थोड़ी ये गीगा कुछ कर पाएगा मेरे को, फेस क्या उसने वहां पे भी मेरी पेटी बना डाली। अब भी तो भाई इसका इज्जत का सवाल था, अभी भाई किसी भी हालत में मेरे को उस गीगा को टेम करना था। फिर क्या था, फिर वापस से गया भाई, वापस से पेगासस को मैंने भाई यहां पे टेलीपोर्टर से बुलाया एंड वापस से पेगासस लेके मैं भाई उस गीगा की तरफ निकल पड़ा। लेकिन भाई साहब यहां पे जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे पता चला कि हमारे पेगासस सर जी को गुस्सा आ गया था और जब भाई पेगासस के सामने मेरे को उसने मारा था ना तो पेगासस ने भाई गीगा का बैंड बजा दिया था। अभी थोड़ा सा दिल तो टूट गया था मेरा, लेकिन मैं बोला चलो कोई ना कोई एकाद गीगा और जो ना गाइस मेरे को यहां पे जन्नत में मिल जाएगा। तो मैं ढूंढने लग गया गाइस गीगा को। गीगा तो गाइस मेरे को मिला नहीं, लेकिन ढूंढते मेरे को एक छोटू मोटू सा पैरट सर जी है ना गाइस वो जरूर मिल गया। आपको बताया होगा प्राइमल फेयर में नया डायनो ऐड करा गया है, वो है पैरट। पता नहीं क्यों ऐड करा है लेकिन उन्होंने करा है भाई। मैंने सोचा चलो इसको टेम कर लेते क्योंकि काफी ज्यादा क्यूट लग रहा था। देख रहे हो गाइस तुम्हारे भाई के कंधे पे देखो ना कितना क्यूट क्यूट सा लग रहा है पैरट, अच्छा है ना गाइस। चलो अभी भाई इसको भाई साइड में रख लेते और अपन चलते गाइस गीगा को ढूंढने के लिए क्योंकि मेरे को किसी भी हालत में गीगा को टेम करना था, मतलब करना था। तो थोड़ी दूरी पे जो है ना गाइस मेरे को गीगा तो नहीं मिला लेकिन मेरे को दो दो इंडोमेस रेक्स दिख गए। मैं जैसे थोड़ा और आगे गया तो इंडोमेस रेक्स के साथ गीगा फ्री बेस किया। मैं बोला चलो भाई ये अच्छी बात है, चलो भाई इंडोमेस रेक्स का अंडा भी मिल जाएगा और हमको गीगा भी मिल जाएगा। उसके बाद गाइस यहां पे पिछली बार जो हमने गलती करी थी भाई इंडोमेस रेक्स को टेम करते वक्त वो मैं करना नहीं चाहता था, तो मैं धीरे धीरे उनकी एचपी जो है ना गाइस वो डाउन करता रहा। मैंने भाई यहां पे जो ना गाइस काफी ज्यादा लगभग भाई 4 से 5 मिनट तक जो ना गाइस उसकी भाई लगभग 10% एचपी तक उसकी एचपी लेके जाता था। उसके बाद वापस से उसकी एचपी फुल हो जाती थी, मैं वापस से डाउन कर लेता था वापस से फुल हो जाती थी। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि अंडा क्यों नहीं दे रहा यार। फिर भाई यहां पे मेरा दिमाग घुमा और मैं अटैक करते रहा और इस बार गाइस फीमेल पहले नहीं मरी, इस बार मेल मर गया गाइस अपना। फिर मैंने पूछा अरे यार दो भाई प्यार करने वालों को कैसे मैं जुदा कर सकता हूं, इसलिए मैंने फीमेल को भी मार के भाई अपने भाई पति के पास पहुंचा डाला गाइस, ठीक है। उसके बाद गाइस मैं जब गीगा को ढूंढने गया भेज क्या किन के तो भाई इन इंडोमेस रेक्स के मिनियन ने उस गीगा को भी मार दिया था भाई। मतलब ये 100 डे सर्वाइवल है ना गाइस, सबसे घटिया 100 डे सर्वाइवल है। इसमें इतना ज्यादा बैड लगा हुआ है ना गाइस मैं आपको बता नहीं सकता भाई। बैड लक स्टार्टिंग से एंड तक देखो भाई, तुम्हारे भाई के साथ भाई बुरी चीजों के अलावा कुछ हुआ ही नहीं, हमेशा बैड लक भाई बैड लक मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा भाई। इस गया कि 100 डे सर्वाइवल में क्या बोले। चलो कुछ तो अच्छी चीज हुई कि मेरे को सामने की तरफ एक और गीगा दिख गया, मैं बोला चलो इसको टेम कर लेते। लेकिन इस बार मैं नीचे उतर के जो ना गाइस एकदम भावनाओं में नहीं बहने वाला था मैंने। हाँ इसको भाई नीचे उतर के भी भाई बोला करने की कोशिश करी लेकिन ये हुआ नहीं, बोला नहीं हुआ। लेकिन गाइस इसने मेरा पीछा जो ना गाइस जरूर करना शुरू कर दिया था। टाइम पे भाई पेगासस के ऊपर बैठ गया, उसके बाद मैं चला गया गाइस यहां पे लाइट हाउस के अंदर। मैंने लाइट हाउस के अंदर से भी जो ना गाइस छोटे से कोने में से इसको जो ना गाइस बोला करने की कोशिश कर लेकिन हो ही नहीं रहा था। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था दिक्कत है तो क्या है भाई। उसके बाद इसने खुद ने भाई नीचे भाई जंप मारी थी, मैं वहां पे जाके जो ना गाइस इसको जब बोला मारा उसमें से एक बोला इसको लगा और मेरे को पता चला कि जो एलिमेंटल वाला बोला है उससे गीगा को टॉर्पर नहीं चढ़ता। मैं बोला हट रे भाई, क्या भाई फूटी किस्मत है, मतलब इतने टाइम से मैं बोला मार रहा था गीगा को, शायद उसको लग भी रहा होगा लेकिन यहां पे जो ना गाइस उसके ऊपर भाई कोई टॉर्पर का असर ही नहीं हो रहा, वो बोला का असर ही नहीं हो रहा, उसके कारण वो नॉकआउट नहीं हो रहा था और मैं पागल की तरह भाई कोशिश करे जा रहा था। फिर मेरा दिमाग घुमा, मैं डायरेक्टली भाई उसको भाई पेलम पाल दे दिया भाई गीगा को और मैं निकल गया भाई अपने घर पे। मैं बोला बस हो गया भाई, अभी इससे ज्यादा मैं झेल नहीं सकता। तो मैंने जो ना गाइस यहाँ पे डोडोस को बाहर निकाल के रख दिया ताकि इनकी जो ना गाइस ब्रीडिंग करके मैं अंडे निकाल सकूं। हाँ अपना 100 डे सर्वाइवल जो ना गाइस यहाँ पे खत्म होने के कगार पे आ चुका था। हमने कुछ भी नहीं करा, आप बोलोगे भाई कुछ भी नहीं करा प्राइमल फेयर में इस बार, तो क्योंकि गाइस यहाँ पे जो ना गाइस हमने अपना मेन मोटिव जो ना गाइस वो रखा था हम एक अच्छा सा घर बनाए। एंड मैंने भाई डायनो टेमिंग के ऊपर भाई बिल्कुल भी मैंने सोचा नहीं था कि मैं पेगासस भी टेम कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैंने 3 से 4 पेगासस ना गाइस यहाँ पे टेम कर लिए और मैंने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक भी बार ट्रैक एरोज नहीं बनाई। ये सारा काम जो ना गाइस अपन अगले एपिसोड में करने वाले। पनौती प
पनौती पनौती, इतनी पनौती है ना कि आउटरो मारते वक्त भी भैंस क्या तुम्हारे भाई को मौत क्याला और कुछ नहीं मिला, समझ में ना रहा इस भाई। ये मैंने भाई 100 डे सीरीज शुरू करने से पहले किसका थोबड़ा देखा था मेरे को समझ भी नहीं आ रहा भाई, इसमें सिर्फ बैड लक ही लगा हुआ है भाई। मेरा जो है ना गाइस ये पनौती जो है ना गाइस पीछा नहीं छोड़ रही, उम्मीद कर रहा हूँ 200 डेज आर्क सर्वाइवल इवॉल्व प्राइमल फियर प्लस आर्क इटर्नल में जो है ना गाइस ये पनौती अपना पीछा छोड़े। चलो कोई ना गाइस अभी आपको मैं बता दूं यहाँ पे हमारा 100 डेज जो है ना सर्वाइवल खत्म हो चुका है। टोटल जो है ना गाइस 100 डेज नहीं बोलूंगा लेकिन भाई 70+ डेज जो है ना गाइस मैंने यहाँ पे आर्क में सर्वाइव कर लिए, इतना मैं भाई यहाँ पे बता सकता हूँ आपको। 100 डेज हुए कि नहीं मेरे को बताने, लेकिन 70+ डेज तो हो चुके हैं इतना मैं जरूर से आपको बता सकता हूँ। गेम की शुरुआत गाइस अब हो चुकी है, जो स्टार्टिंग में हमने कराना गाइस वो जस्ट वार्म अप था, जो 100 डे सर्वाइवल था वो वार्म अप था। 200 डे सर्वाइवल में तुम्हारा भाई फुल टू फाड़ के रखने वाला है, क्योंकि अगला जो एपिसोड आएगा जिसमें हम 200 डे सर्वाइव करेंगे उसमें हम ट्रैंक बनाएंगे, अलग अलग कीबल्स बनाएंगे, अलग अलग पावरफुल डायनोस बनाएंगे और बदला गाइस बदला पता है ना किससे, जिसने हमारे स्काई राइडर को मारा था उससे बदला में लेके रहूंगा, उसने बहुत गंदी तरीके से मारा था भाई उससे मैं बदला लेके रहूंगा। और भाई काफी ज्यादा खतरनाक और ओपी वाले डायनो जो अभी तक हमने देखे नहीं उनको भी हम टेम करके रहेंगे। और गाइस बहुत सारी और भाई फन चीजें और भाई इंटरेस्टिंग चीजें जो है ना गाइस हम 200 डे सर्वाइवल में करने वाले। तो गाइस आप बोलोगे 200 डे सर्वाइवल वीडियो का बारे, इस वीडियो को जैसे 5 के लाइक हिट होते हैं वैसे भाई 200 डे सर्वाइवल वीडियो बाहर आ गई समझ लो। अगर एक दो दिन में 5 के लाइक हो गए तो भाई दूसरे दिन अगले दिन ही डायरेक्टली मैं 200 डे वाली वीडियो डाल दूंगा, तो फटाफट जो है ना गाइस 5 के लाइक कर देना इस वीडियो को। एंड गाइस 100 डे आर्क सर्वाइवल इवॉल्व प्राइमल फियर प्लस आर्क इटर्नल जो हमारी वीडियो है वो आपको कैसी लगी वो नीचे कमेंट करके बता देना, हमारा घर कैसे लगा वो बता देना। एंड सॉरी इस वाले जो है ना गाइस 100 डेज में हम कुछ भी जो है ना गाइस स्टेम नहीं कर पाए पेगासस के अलावा डोडो के अलावा, लेकिन 200 डेज में हम फुल टू राड़ा मचाने वाले फाड़ के रखने वाले। अभी जस्ट शुरुआत हुई है गाइस, ठीक है ये बस शुरुआत है, आगे आगे देखो गाइस होता है क्या। तो गाइस फिलहाल के लिए आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है गाइस, ये वीडियो जो है ना गाइस बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो मिलते हैं सबसे अगली वीडियो में गाइस आर्क सर्वाइवल इवोल्व के गाइस प्राइमल फियर प्लस आर्क इटर्नल के, तब देख ले बाय। एंड गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय, गुड बाय। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। But it's too late now, I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we were